अब सेशन लाइव है, आप सभी लोगों का स्वागत है सेशन में। मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो अपने कैमरे को ऑन करें, जिससे कि लोग बाग एक दूसरे को देख सकें, समझ सकें, पहचान सकें। और एक जो आँखों का जो एक रुझान होता है, आँखों का एक कांटेक्ट होता है, वो भी किसी मीटिंग में और विचारों के आदान प्रदान में बहुत मायने रखता है। तो उसको हम किसी भी कीमत पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हम लोग आपस में जल्दी से छोटा सा जी परिचय दे दें, 1 मिनट वाला, तो बढ़िया हो जाएगा। मैं विद्यासागर जी से रिक्वेस्ट करूंगा सर। हाँ जी नमस्कार सर। मेरा नाम विद्यासागर है, आरएस विद्यासागर। मैं आंध्रा बैंक में चीफ विजिलेंस ऑफिसर रह चुका हूँ। आई रिटायर्ड इन 2016 जुलाई। एंड अभी तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तभी तो आप हमारे काम के लिए हैं सर, इसके लिए पूरा समय दे सकेंगे। जी। भारत AK सिंह में साहब, आप ही और अपना दे यस दीजिए। सर, यस सर। सर मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, और मैं भी जब विद्यासागर जी चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे आंध्रा बैंक के, तब मैं नेशनल हाउसिंग बैंक में CBO था, और हमारी मित्रता तभी से है। वैसे मैं बैंकर हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ मई 2017 में, और उसके बाद से थोड़ा सा पठन पाठन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हूँ, बैंकिंग पढ़ाता हूँ, और एक एकेडमी रन करता हूँ सर। छोटी सी एकेडमी है जिसमें हाउसिंग फिनेंस कंपनीज के ऑफिसर्स को ट्रेन करते हैं हाउसिंग फिनेंस के ऊपर। उसमें वो गतिविधियाँ रहती हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, ग्रेट तो मैं ग्रेट थोड़ा थोड़ा इंगेज्ड हूँ, ग्रेट और अपना स्वांता सुखाया कह सकते हैं उसको, जितना अच्छा लगता है ग्रेट उतना करते हैं सर। ग्रेट 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 और हमारे मित्र पांडे जी, डॉक्टर संतोष पांडे भी हैं, जी मैं उनसे कहूँगा, वो बहुत अच्छी जगह पर हैं और इसको विचारशील बनाएंगे। इस विचार को वो बहुत जी अच्छे आंदोलन से खुद ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए मैंने उनको इससे जोड़ा, और वो स्वयं में अपने आप में सब विधाओं से परिचित हैं, जी जी आध्यात्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं पूरा। पांडे जी जी नमस्कार नमस्कार। जी, आप अपना परिचय दे दें तो अच्छा रहेगा। आवाज कुछ कम आई, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरा कहीं इको आ रही है थोड़ी सी, आवाज एकदम ऑडिबल नहीं है। मेरे ख्याल से शुक्ला जी, आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा सा स्विच ऑफ करें। हाँ वही बात होगी, वही अभी या आवाज आ रही। हाँ आ रही है। हाँ, पहला परिचय ये है कि मैं अनिल सिंह जी का क्लासमेट हूँ। जी जी हम जी लोगों ने मथुरा वेटनरी कॉलेज में साथ साथ ग्रेजुएशन किया है, जी जी और उसके बाद मैंने PG किया था इस मेडिसिन में, वेटनरी मेडिसिन में। उसके पश्चात मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में नौकरी की है करीब मेरे ख्याल से 34-35 साल। और ड्यूरिंग वो 34-35 साल में हम अनेकों स्टेट्स में, मतलब यूपी में, बिहार में, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, सभी जगह पोस्टिंग रही हमारी, घूमता रहा हूँ। और 2010 में आई अपटेड फॉर VRS। हमारे यहाँ VRS आया हुआ था तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, क्योंकि लाइफ का कुछ मिशन अलग था, इसलिए शायद दिमाग में था। मैं शांति कुंज हरिद्वार, एक संस्था है, कुछ लोग जानते होंगे शायद। मैं उससे 91 में पहली बार संपर्क में आया था, वो भी जिज्ञासावश आया था कि आध्यात्मिक जिज्ञासाएं कुछ शुरू से रही हैं हमारी। हालांकि जब कॉलेज के दौरान तो वो चीजें ज्यादा एक्सप्रेस नहीं होती, तो अनिल सिंह जी को शायद उस समय इन चीजों का एहसास नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं किसी को कह भी नहीं सकता था वो चीज। लेकिन उन जिज्ञासाओं के चलते ही
मैं रामकृष्ण मिशन की साहित्य के संपर्क में था, वो मैं पढ़ा करता था, और लेकिन मन के बहुत से उलझे हुए प्रश्न थे, तो 91 में किसी तरह मैं संपर्क में आ गया यहाँ पर शांति कुंज हरिद्वार के, और श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें लोगों ने बताई थी कि उन्होंने बहुत साहित्य लिखा है, ये है, तो हमने कहा लाओ देखते हैं क्या साहित्य है। तो उसके संपर्क में आने के बाद से जीवन में दूसरे बदलाव शुरू हुए, चेंजेस आए, तो उसी उन्हीं कारणों से शायद 2010 में जब मैंने वीआरएस लिया तो एक आध साल तीन साल करीब मैंने इधर उधर, और भी क्योंकि हमारी जो छोटी बच्ची थी उस समय एमबीए फाइनल ईयर कर रही थी, तो मैंने कहा एक दो साल अभी रुक जाता हूँ जब तक बच्ची फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, तो इसलिए एक दो साल इंतजार किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड मैं जेके ट्रस्ट ग्राम विकास योजना में हरियाणा का स्टेट डायरेक्टर रहा, और लाइट चली गई बाई चांस हमारे यहाँ भी आ जाएगी सेकेंड में, तो इसलिए हमारी धुंधली रोशनी आ रही होगी। तो उसके बाद वहाँ पे किया, फिर कंसल्टेंसी की है कुछ प्राइवेट डेरीज की, मैं जब गुजरात में था सूरत उरत में एक साल करीब वहाँ पर, और फिर मैं 2014 में शांति कुंज हरिद्वार, जब हमारी लड़की छोटी वाली मतलब सर्विस वगैरह में चली गई, बैंक में है इस समय, IDBI बैंक में मैनेजर है, तो जब वो वहाँ चली गई तो हम लोग, मेरी और मैं और मेरी भाई दोनों ने ही तय किया कि भाई अब हम लोग कुछ सोशल सर्विस में अपना समय दे सकते हैं। जी जी बहुत बहुत अच्छा पांडे जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और तो और मेरे ख्याल से बेसिकली हम, मेरे ख्याल से हम सभी लोग जो है वो अध्यात्म की यात्रा में ही रहते हैं, क्योंकि अध्यात्म के बिना जीवन ही नहीं है, वो हम लोग जो है उसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं, वो डिवाइड होता नहीं है। विद्यासागर जी मैं एक मिनट और लूंगा, 30 सेकंड। तो यहाँ आने के बाद मैं आया तो एक शब्द है यहाँ पर जिसे कहते हैं समय दान, मतलब अपना जीवन का बचा हुआ समय आपने दान कर दिया, तो हमने गुरुदेव को यहाँ श्री राम शर्मा आचार्य जी को दान कर दिया कि हमें चाहे जैसा यूज कर सकते हैं, जिस भी काम में लगा देंगे हम वो काम करेंगे। तो आए तो थे शांति कुंज के लिए, बाद में शांति कुंज की जुड़ी हुई एक मतलब विश्वविद्यालय है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है जहाँ पर ग्रेजुएशन का कोर्स चलता है, बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज़, हम उसमें सेवाएं देते हैं, दो तीन पेपर पढ़ाते हैं, उसमें एक कैटल हस्बेंड्री भी है, रूरल इकोनॉमिक्स भी है, और डेयरी मैनेजमेंट है, ये तीन सब्जेक्ट हमारे हैं। ठीक है, तो और हमारी हमारी धर्मपत्नी साथ में है, तो इसी यूनिवर्सिटी के कैंपस में ये CBSE का 12वीं तक का एक स्कूल भी है, तो वो उसमें कोऑर्डिनेटर हैं, टीचर हैं, इसी PGT और इंग्लिश पढ़ाती है वहाँ पर, तो हम दोनों लोग इससे बिजी रहते हैं, लेकिन ये सारी सर्विसेज ऑनरेरी हैं, हम लोग अपने दान दिया हुआ है, तो जब तक शरीर में और मन हमारा चलेगा तब तक हम यहाँ अपनी सेवाएं देंगे। अभी 6-7 साल हो गए हैं करीब। शुक्ला जी अब आप माइक्रोफोन ऑन कर लें, म्यूट है शुक्ला जी, आप ऑन करिए। हाँ, और यदि इको आती है तो फिर पांडे जी आपको ऑफ करना पड़ेगा, यदि इको होती है तो। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं स्टेट बैंक का बीकानेर जयपुर से 2012 जुलाई में रिटायर हुआ, और सिंह साहब और हम साथ में रहे, मैं बॉम्बे था, सिंह साहब उस वक्त बड़ौदा थे, सिंह साहब फिर हमारे बैंक से प्रमोट होकर के विजिलेंस ऑफिसर बन करके दूसरी बैंकों में चले गए, अंत में नेशनल हाउसिंग बैंक में विजिलेंस ऑफिसर रहे थे, जनरल मैनेजर गए, और मैं रिटायरमेंट के बाद में एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी NBFC से जुड़ा, लेकिन थोड़े समय काम करने के बाद मैंने महसूस किया वो जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं थी, फिर मैं सेबी के साथ जुड़ गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ, और उनके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की अवेयरनेस प्रोग्राम्स और उनके लिए वर्कशॉप करता हूँ। अभी अक्टूबर 2020 में मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NCFE ने अपने लिए अपना रिसोर्स पर्सन नियुक्त किया, और मैं उनके लिए भी फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम और इस तरह के काम करता हूँ, कुछ
पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है इंदौर में, मैं वहां पर भी एज ए विजिटिंग जाता हूँ। वहाँ कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल एजुकेशन पीटीएफ में पढ़ाता हूँ, कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो मुझे इन्वाइट करते हैं, और स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में मेरा अभी विशेष रूप से काम चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सविता शुक्ला जी हैं, वो कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से मैडम शुक्ला आपकी सर भोपाल में है, सविता मैडम भोपाल से हैं, हमारे साथ ये भी जो है रिसोर्स पर्सन है सेबी की। अच्छा, तो सविता जी आप भी अपना कैमरे को ऑन करें, माइक्रोफोन को ऑन करें, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। शायद वो कुछ संकोच कर रही हैं। तो चलिए, ये जो है मेरे ख्याल से हम लोग अभी हाल में ही जुड़े हैं और एक अच्छा जुड़ाव हुआ है। आप लोगों ने जितना भी समय मिला है क्राइम फ्री भारत को कितना समझा है, कितना जाना है, कैसा लगा आपको, कुछ आप लोगों को देखने का मौका मिला क्या, और आप लोगों की क्या जिज्ञासाएं हैं? क्योंकि यदि मैं अपनी तरफ से कुछ कहने की कोशिश करूंगा तो इट विल बी ए रिपीटेशन ऑफ वेरियस वीडियोज, तो वो रिपीटेशन मेरे ख्याल से हम लोग अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। तो आई प्रज्यूम कि बहुत सारे वीडियोज हम लोगों ने आपसे शेयर किए थे, आपने उनको देखा होगा, और उनको देखने के बाद आपका क्या वो बना, और आपके जेहन में क्या प्रश्न हैं, क्या जिज्ञासाएं हैं, और आपके हिसाब से क्राइम फ्री भारत की जर्नी कैसे की जाए, तो आप पूछेंगे तो हिसाब से जो है अपन सत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी जी सर, मैंने आपका वीडियो देखा, आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी देखा, और सीए हरीश जी का भी एड्रेस देखा, और मुझे लगा कि वाकई में करने लायक काम है, इसको हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा वो है, वो कि ये इतना बड़ा काम हम जैसे साधारण लोग कैसे कर सकते हैं? क्रिमिनल्स का रीच इतना बड़ा है, कानून इतना उलझा हुआ है, इसमें हम जैसे लोग, हमने तो आज तक जीवन में किसी भी क्राइम को अपने सामने होते नहीं देखा, साधारण से जीवन जीने वाले लोग। ये रोड वायलेशंस करने वाले लोगों का तो इसमें उपचार करने से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, सिर्फ रोड वायलेशंस को कैप्चर कर लिया, बाकी लोगों से तो संपर्क ही नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और किसी से संपर्क होने लायक स्थिति हम लोगों की होती नहीं है। हम क्राइम फ्री करने के लिए आपकी मोटिवेशन से कैसे आगे बढ़ सकेंगे, मेरे मन में बड़ा संशय है। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। मतलब मेरी अक्षमता के ऊपर मुझे बहुत संकोच है कि हम इतने अक्षम हैं, इस बड़े कार्य में हम आपके सहयोगी कैसे बन पाएंगे, मेरा मन का ये प्रश्न है। बहुत सुंदर प्रश्न है, मेरे ख्याल से पांडे जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, और सविता जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज पहले पहले मेरे ख्याल से लेडीज फर्स्ट, सत्ता जी को पहले मौका देते हैं। सर वो थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैं ये बोल रही हूँ सर कि मैं भी रिसोर्स पर्सन हूँ शुक्ला सर के साथ सेबी में, और मैंने भी वर्कशॉप्स किए हैं कॉलेज में, स्कूल में, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए और एग्जीक्यूटिव्स के लिए, और मैं विवेकानंद ट्रस्ट के अंतर्गत जो शिक्षा मिशन के तहत जो वर्कशॉप्स होते हैं या जो कैरियर गाइडेंस के लिए मुझे भी बुलाया जाता है, तो कॉलेज में वहाँ पे भी लेक्चर के लिए मैं जाती हूँ, और बाकी सर मैं, मेरी कोचिंग चलती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है मेरा, बस यही सब बोलना था सर। ग्रेट 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 पांडे जी, आप कुछ शुक्ला सर हमेशा गाइड करते हैं सर, और कभी भी वो कुछ लिंक भेजते हैं, कुछ करते हैं, तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट करती हूँ, और हमेशा सर अच्छा ही करते हैं, और मतलब जब कभी भी कुछ छोटी से छोटी चीज होती है तो बराबर मुझको बताते हैं, तो मैं भी सर चाहती हूँ कि सहयोग करूँ। थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर विचार है। पांडे जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप अपना माइक्रोफोन ऑन करिए जरा, आपका माइक्रोफोन ऑफ है अभी, मैंने बंद कर रखा था अभी बीच में डिस्टर्बेंस। चूंकि मैं आज ही ग्रुप में जुड़ा हूँ नया, देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए आई वांटेड द रिकॉर्डिंग शुड बी ऑन। यस सर।
देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म हमने क्राइम जो है ना पहले जीआरपी हेल्प ऐप एंड ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम को 2017 में सबमिट किया और 2017 से ये नेशनल पुलिस मिशन का हिस्सा है, ठीक है ना, एंड आई एम द प्रोजेक्ट लीडर। देन 2019 में जब लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आपका तो पूरा रेलवे के लिए तो आपने इतना सारा किया है और अब आप पुलिस रिफॉर्म में हैं, पूरी पुलिसिंग को आपका फायदा मिलना चाहिए, उस समय हमने क्राइम फ्री भारत थ्रू ऑटोमेटेड इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सिस्टम विद द 21 टेक्नोलॉजी ये प्रोजेक्ट सबमिट किया और वो आज की डेट में नेशनल पुलिस मिशन, रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पुलिस मिशन है। तो आज जो है क्राइम फ्री भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर BPRND इट इज ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पुलिस मिशन एंड मैथिली शरण गुप्त इज ए प्रोजेक्ट लीडर ऑफ दैट मिशन, ठीक है ना, दैट इज द पॉजिटिव थिंग विच आई वांटेड टू शेयर, राइट। तो नंबर वन, नंबर टू, इसमें इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें इसको पूरे जो है ना देश में IPS ऑफिसर को भेजा जाता है, पीयर ग्रुप रिव्यू होता है, फिर बहुत सारे रिव्यू होते हैं, तो इसके पीयर ग्रुप रिव्यू वगैरह ढेर सारे हो गए हैं। BPRND ने मुझसे मांगा था कि सर इसका एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी आप भेजिए, तो हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी पूरी बना के एक DO लेटर के फॉर्म में DG BPRND को सबमिट की थी, जो उन्होंने उसे मान्य किया है, और हमने एक कानून बना के भी मान्य किया भेजा था। बेसिकली बाद में हमने उस कानून को एक निक मैथोलॉजिकल नेम भी दिया है, डिजिटल चित्रगुप्त, और इसका टेक्निकल और लीगल नेम है नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C लिस्ट 1 शेड्यूल 7 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बाकायदा ड्राफ्ट करके हमने जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रू BPRND सबमिट किया हुआ है, और इस से हमने बहुत सारे तीर एक साथ चलाए थे, वो जो तीर चले हैं वो इतने अचूक हैं कि जो अपेक्षाएं सिंह साहब आप कह रहे हैं कि की जा रही हैं वो अपेक्षाएं कम पड़ जाएंगी। ये इतना बृहद जो है कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये अकेला आपको ये सभी समस्याओं से आपको बाहर ले जाएगा। इट विल मेक यू हेल्दी, इट विल मेक यू हेल्दी, इट विल आपके जो है ना एग्रीकल्चर को, किसानों को जो ना मालामाल कर देगा, अल्फा 2 वैरायटी का मिल्क देगा, जॉब एंड सर्विसेज देगा, मशीन एंड इक्विपमेंट देगा, क्रिएटिविटी देगा, मतलब गजब कर डालने वाली चीज है। और इसमें जो है जो इसमें जो बहुत बड़ी बात है कि इतनी ज्यादा वेल्थ क्रिएट हो रही है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द पर्पज ऑफ क्राइम फ्री भारत। हम इतनी वेल्थ क्रिएट करने की स्थिति में हैं कि शायद हम टैक्सेशन को कम कर पाएंगे, और यदि हम टैक्सेशन को कम कर पाएंगे और जो वेल्थ है दैट विल बी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक थ्रू द कैप्चरिंग ऑफ वायलेशन, और ये कैप्चरिंग ऑफ वायलेशन जो है ना का पिटारा बढ़ता जाएगा। अभी शुरू में हमने उसको ट्रैफिक वायलेशन से शुरू किया है, वो ट्रैफिक वायलेशन में जाएगा, फिर जो अन्य तरीके के हायर डिग्री ऑफ वायलेशन से उनको कैप्चर करके, और इतना ज़्यादा रेवेन्यू पैदा होगा और उस रेवेन्यू का आधा पैसा पब्लिक को सीधा पहुँचेगा, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि किस तरीके का वो जो है ना माला माल और किस तरीके का सिचुएशन पैदा करेगा। तो पहले अपन जो है ना रेवेन्यू माल की बन जाते हैं, पहले अपन लेट्स से कि इसमें 5 सर्टेनिटी दी जा रही हैं जो आज हर व्यक्ति का कुंठा का कारण बना हुआ है। जो पुलिस जो है आपकी पुलिस होना चाहिए वो जो है इट इज नॉट योर पुलिस, इट हैज बिकम पॉलिटिशियंस पुलिस।
आपकी तो FIR लिखाना मुश्किल होता जा रहा है, राइट? और जब आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है, जब आपको जो है ना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, और यदि आप थोड़ा सा हैब वाली कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि यदि आप हैब वाली कैटेगरी में हैं तो चूंकि आपका कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होगा तो देर से या सवेर से आपको फिर भी राहत मिल जाएगी, लेकिन यदि आप हैव नॉट कैटेगरी से हैं तो आपको कोई राहत ही नहीं मिल रही है, आपको भगा दिया जा रहा है, खून बह रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, एंड पुलिस कैन ड्रॉ द प्राइड कि साहब हम तो थंब रूल से चलते हैं कि बड़ी गाड़ी की गलती होती है। अरे भाई, सामने जो है ना एक मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ जो है ना ऐसा ऐसा तांडव नृत्य कर रहा है, बड़ी व्यक्ति की, बड़ी व्हीकल की गलती कैसे है भाई? गलती तो उसकी है। तो हम अपना काम अच्छा ना करके, अच्छा इन्वेस्टिगेशन ना करके, यदि आज के युग में यदि हम थंब रूल से चल रहे हैं तो इससे बड़ी और कोई विडंबना हो नहीं सकती है। पुलिस को जो है ना 1860 में अंग्रेजों ने पैदा किया अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, ये विडंबना का विषय है कि हमने नया पुलिस एक्ट का मॉडल पुलिस एक्ट भी बन गया लेकिन हम उसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मतलब हमें अंग्रेजों के जमाने का वो साम्राज्यवादी 1861 का पुलिस एक्ट अच्छा लग रहा है। पुलिस के सुधार के लिए एन नंबर ऑफ चीजें जो है, एन नंबर ऑफ कमेटीज बनी, वो सभी धूल चाटती रही। हमें अच्छी पुलिस क्यों पसंद नहीं है? तो अब छोड़िए इस बात को, जो है ना एक लंबा विषय है, इसी के ऊपर एक बड़ा सेशन दिया जा सकता है। तो क्राइम फ्री भारत जो है वो 5 सर्टेनिटी दे रहा है, मेकिंग यूज ऑफ द 21 टेक्नोलॉजीज एंड फुल्ली इंटीग्रेटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल 137 करोड़ पीपल। और इन 137 करोड़ पीपल ना जुड़े ये उनकी औकात के बाहर है, क्योंकि जब धन की वर्षा होगी तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपकी जान ले लेंगे कि पड़ोसी ने तो इतने पैसे कमा लिए, आपने, आप क्यों नहीं जुड़े हुए हो, ठीक है ना? तो लोग बागों को उससे जुड़ना ही पड़ेगा, ना जुड़ने का सवाल नहीं है, बिकॉज देयर विल बी डायरेक्ट फ्लो ऑफ रेवेन्यू, राइट? तो इसकी, इसमें 5 सर्टेनिटी हम ऑफर कर रहे हैं और 5 रेवेन्यू स्ट्रीम ऑफर कर रहे हैं। और पहली सर्टेनिटी है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR विदाउट विजिटिंग पुलिस स्टेशन एंड दैट टू लीगली एक्सेप्टेबल FIR। तो लीगली एक्सेप्टेबल FIR के 4 जो है वो एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला कि एक मजनून हो जिससे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा हो। दूसरा, उसमें क्या वायलेशन हुआ है, कौन से सेक्शन का वायलेशन हुआ, कौन से एक्ट का वायलेशन हुआ, वो उसको लगाया जाए, दैट इज द सेकेंड एट्रीब्यूट। तीसरा एट्रीब्यूट है कि जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके सिग्नेचर होना चाहिए। और चौथा एट्रीब्यूट है कि उसमें थानेदार के सिग्नेचर हो गए तो ये लीगली एक्सेप्टेबल FIR हो गई है। हमने इसका जो है ना डेमो मॉडल ऑलरेडी तैयार करके जो है ना इट इज रेडी अंडर जो है ना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। तो लास्ट ईयर हमने इसके लिए बड़ी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की थी एंड दैट मॉडल इज ऑलरेडी रेडी विद अस। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि जब भी कोई आप अच्छी चीज देते हैं तो हम उस भारत, भारतीय संस्कारों के लोग हो गए हैं कि एक बार शंकर जी ने जो है एक वरदान दिया, नहीं उसको इस ढंग से कहते हैं कि एक व्यक्ति बहुत दुखी हो रहा था, वो शंकर जी का बहुत अनन्य भक्त था, और ऊपर से शंकर जी और पार्वती जी विचरण कर रही थी, तो पार्वती ने देखा कि वो भक्त बहुत दुखी है, व्याकुल है, विकल हो रहा है, तो उन्होंने कहा देव आप क्या कर रहे हैं, ये आपका परम भक्त है और आप इसकी बात नहीं सुन रहे हैं और इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। नहीं, उन्होंने कहा कि देवी आप नहीं समझते हैं, वो ऐसे ही प्राणी है, वो इसी कष्ट के लायक है, उसे झेलने दीजिए। लेकिन जैसा होता है कि देवी तो बहुत दयावान होती हैं, तो उन्होंने शंकर जी को पुश किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है देवी आप कहते हैं तो चलिए अपन उसके सामने अवतरित होते हैं। तो पार्वती जी और शंकर जी वहाँ अवतरित हो गए। उन्होंने कहा बेटे तुमने हमारी बहुत पूजा की है, तुम जो चाहो वो मांग लो, तुम्हें मिल जाएगा।
लेकिन बस मेरी एक शर्त है कि जो तुम मांगोगे उसका दुगना जो है तुम्हारे पड़ोसियों को मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु हो गया। अब उसने सोचा यदि एक अच्छा सा महल होता तो कितना अच्छा होता। तो उसने देखा कि सडनली उसके नीचे से एक महल आ गया, वो महल के ऊपर है। फिर उसने कहा महल तो अच्छा है लेकिन महल में साथ में रानी भी होती तो कितना अच्छा होता, सुंदर सी रानी। तो देखा एक रानी सुंदर सी पैदा हो गई वहां पे, बड़े खुश हुए वो। फिर अब बह देखे तो देखा सबके दो दो महल है, दो दो रानी आए, एकदम बहुत दुखी हो गया वो। बोला हे भगवान यदि मेरी एक ही आंख होती तो कितना अच्छा होता। मतलब उसे जो है अच्छी चीजें अच्छी नहीं लगी, उसको लगा कि मेरी एक आंख फूट जाएगी तो पड़ोसियों की दोनों आंख फूट जाएंगी। उसने अपनी स्थिति जो है ना, एक आंख फोड़ना उसे ज्यादा पसंद आई। तो उसी चीज से जो है ना लेसन ड्रॉ करते हुए, क्राइम फ्री भारत की जो पहली सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफेंस, इट इज हैविंग द सर्टेनिटी कि यदि आप फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट करेंगे तो वो उसी सर्टेनिटी से 211 एंड 182 आईपीसी के तहत आपको प्रोसिक्यूट करेगा। सो इट इज ए ट्विन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन एट द सेम टाइम सर्टेनिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन इफ यू लॉज द फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एफआईआर। और आज के कानून में उसका प्रावधान है, पुलिस उसको मेहनत करके इतना उस लॉजिकल एंड तक ले नहीं जाती है, नंबर वन। और नंबर टू, उसमें उसको असंगे बना के रखा हुआ है, उसमें सजा का प्रावधान कम है। तो हमारा, हमने क्राइम फ्री भारत के तहत ऐसा सोचा हुआ है कि उसको संज्ञेय भी बनाया जाए और उसमें वही सजा का प्रावधान होना चाहिए जो फैब्रिकेटेड केस आपने लॉन्च किया है। फिर इसकी सेकंड जो है सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन। तो सर्टेनिटी ऑफ डिटेक्शन की जब हम बात करते हैं, उसके पहले उसने कहा कि भाई हमारी पुलिस तो बहुत पीड़ित है, हमारी पुलिस जो है 24 घंटे लगी रहती है, हमारी पुलिस को ना कोई त्यौहार मिलते हैं ना कोई ये मिलता है, और हमारी पुलिस बीमार भी हो रही है, आजकल अधिकांश लोग बीमार हो रहे हैं और कई बार टेंशन में सुसाइड भी कर ले रहे हैं, और अब तो जो है ना टेंशन इतना ज़्यादा हो गया कि अपने भाइयों को भी मार देते हैं। तो क्राइम फ्री भारत ने सोचा कि हम सबसे पहले अपने पुलिस को डी वर्डन एंड डी स्ट्रेस करेंगे। सो क्राइम फ्री भारत इज सेइंग कि वी विल डी वर्डन एंड डी स्ट्रेस अवर पुलिस टू द 90%, और पुलिस वाले को कंपल्सरली जो है ना वीकेंड मिलेगा, प्रॉबली 8 आवरली ड्यूटी होगी उसकी। वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक अच्छे मानव, जैसे एक अच्छे मानव को जो है ना समय मिलना चाहिए, उतना से ज़्यादा समय उसे मिलेगा, और वो 10% काम करके 100% जो है ना डिटेक्शन पा पाएगा, तो उसकी सेल्फ स्टीम और खुद का रिस्पेक्ट बहुत हाई होगा। हम ये अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में जब पुलिस वाला गली से निकलेगा तो ऐसी पुलिस जो कि 100% डिटेक्शन करती हो, 100% कन्विक्शन लाती हो, उसके सम्मान में हर कोई खड़े होकर उसको सल्यूट करेगा। हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि जब उस पुलिस वाले के बच्चे अपने स्कूल में जाएंगे तो स्कूल के बच्चे खड़े हो जाएंगे कि इसका पापा पुलिस वाला है। लेट द पुलिस शुड कमांड दैट काइंड ऑफ द रिस्पेक्ट विद द 10% वर्क ओनली। फिर दूसरी बात वो क्राइम फ्री भारत कहता है कि वी विल गारंटी यू राइट टू प्राइवेसी, एंड दिस राइट टू प्राइवेसी विल बी गारंटेड टू द इवन क्रिमिनल्स ऑल्सो। और इस राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान इस एक्ट में किया गया है, जिसको हम सुलभता की दृष्टि से डिजिटल चित्रगुप्त कहते हैं, क्योंकि जो आपका चित्रगुप्त है वो आपके वीडियो फुटेज आपको दिखाता है मरने के बाद, आपके पड़ोसी को नहीं दिखाता है। तो हमने उस चीज को जो है पिकअप करके उसको डिजिटल चित्रगुप्त नाम दिया है। नाउ दिस एक्ट, थ्रू दिस एक्ट इट विल बी गारंटिंग राइट टू द प्राइवेसी, एंड देन थ्रू द वेरियस एप्स, थ्रू द वेरियस स्टार्टअप, एक बहुत ही औसत दर्जे के पुलिस वाले से वो इन्वेस्टिगेशन कराया जाना संभव होगा कि जो एक बहुत ही बड़ी बुद्धि वाला इंटरनेशनल लेवल का जो पुलिस वाला होगा उसके दर्जे का जो है इन्वेस्टिगेशन एक हमारा अदना सा राम सिंह जी, जिसको शायद बहुत सारी चीजें आती ही नहीं होंगी लेकिन बैकएंड टेक्नोलॉजी उससे वो सब करा ले जाएगी,
जो वो करने की बात सोच ही नहीं सकता है। वो जो है एक इनपुट पे उस पूरी गैंग को आइडेंटिफाई कर पाएगा, और यदि उस गैंग ने हजार ऑफेंस किए हैं तो वो उन हजार ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकेगा और उसके एविडेंस कैप्चर कर सकेगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि डिटेक्शन जो है वो 100% से भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपने तो 100% तो जितने केस रजिस्टर होंगे वो 100% हो जाएंगे। व्हाट अबाउट द केसेस विच आर नॉट रिपोर्टेड बाय यू, व्हाट अबाउट द केसेस विच आर नॉट रजिस्टर्ड बाय द पुलिस। वो उन केसेस को भी आइडेंटिफाई कर पाएगा, उनको रजिस्टर भी कराएगा, उनके एविडेंस भी कैप्चर करेगा, उन एविडेंस को डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प करेगा, और उन एविडेंस को जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में इनफॉलिबल बना देगा। तो यदि जैसे डीप फेक जैसी बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, उनके होने के बावजूद भी वो टेक्नोलॉजी इन साक्ष्यों का कुछ भी बिगाड़ने की स्थिति में नहीं होंगी, क्योंकि जब एक कैप्चर करेगा उसी समय उनको डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प करके उनको इनक्रिप्ट करेगा, उनको हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट करेगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे एविडेंस से कन्विक्शन जो है ना लगभग 100% होगा। और फिर जो है ये तीसरी सर्टेनिटी पे आ रहा है, द सर्टेनिटी ऑफ कन्विक्शन। तो वो ये नहीं कह रहा है कि केवल हम डिटेक्ट करेंगे, बल्कि अधिकांश केसेस में हम सर्टेनिटी के साथ कन्विक्शन करेंगे, और बल्कि कन्विक्शन कहना भी राइट वर्ड नहीं है, सर्टेनिटी के साथ न्याय करेंगे। और जब ये बात कह रहा है तो इसके लिए वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, जिस टेक्नोलॉजी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम, जो आज के कोर्ट ट्रायल से 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट और लीगली एक्सेप्टेबल हो। और आगे चल के विटनेस को कोर्ट नहीं आना होगा, वकील को कोर्ट नहीं आना होगा, प्रोसिक्यूटर को कोर्ट नहीं आना होगा, और जज महोदय को भी कोर्ट नहीं आना होगा, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट होगी थ्रू द वीडियो गोस्ट बेस्ड ट्रायल सिस्टम। एंड थ्रू लिटिल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो अभी 3.19 करोड़ केसेस दे आर पेंडिंग बिफोर द जुडिशरी, वी विल बी इन पोजिशन टू डिजॉल्व देम विद इन 2 years, एंड इन फ्यूचर 3 से 6 महीने तक सभी केसेस का जो है ना फाइनल निकाल संभव होगा, इंक्लूडिंग पार्डनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा उसका आउट ऑफ बॉक्स जो है ना उसके लिए थिंकिंग रखी गई है। फिर जो है ना ये चौथी सर्टेनिटी के पे जाता है, सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो चूंकि डिजिटल चित्रगुप्त जो है, ढेर सारे IoT डिवाइसेस, ढेर सारे CCTV डिवाइसेस और 137 करोड़ लोगों से इतनी चीजें कैप्चर कर रहा है कि उसे ये चीज मालूम है कि कौन सा क्रिमिनल खुश होता है तो कैसा दिखता है, चलता कैसा है, उसके पास गाड़ी है तो कैसी है, उसकी गाड़ी का 360 डिग्री जो है ना व्यू कैसा है, उसमें कोई डेंट आ गया है तो डेंट कब आया है, इतनी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन उसके पास हो। और जब क्रिमिनल अपने घर से बाहर निकलेगा तो सिस्टम वुड बी इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई कि ये अपराध करने की नियत से निकल रहा है, और इसका चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये कोई वायलेंट क्राइम करेगा। वो ये भी डिटेक्ट कर पाएगा कि इसके साथ साथ और कौन कौन जा रहा है। और वो जो है, फिर CFB ने एक और निर्णय लिया है कि कहते हैं कि हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो CFB का ये मानना है कि भाई देखिए, हमको शेर वेर को पकड़ने का शौक नहीं है, तो हम कुत्तों को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब कभी ऐसे हालात भी होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, हमें जो है कुत्ते को शेर की हैसियत में पकड़ना है लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर पुलिस जो है वो शेर की तैयारी के साथ जाएगी। विकास दुबे जैसे 8-8 पुलिस वाले जो है ना शूट कर दिए जाए, ऐसे हालात कदाप भी निर्मित नहीं हो पाएंगे। तो ना केवल हम ऑलमोस्ट 100% केसेस में क्राइम होने से रोक पाएंगे, बल्कि जो है डूइंग क्राइम बाय द ओल्ड क्रिमिनल, दोज हु आर ऑलरेडी ऑन रडार और स्कैनर,
would not be a possibilities in future to come. And then iske saath aati hai panchvi certainty, that is the certainty of rehabilitation of criminal. Aur iske piche soch ye hai ki jab aapke Chitragupt ko sab kuch hi malum hai to apradhi ko apradhi kyon rehne diya jaye. To wo jo hai rehabilitation of criminal, uske skill set ko identify kiya jaye, uske skill ka kuch gap hai to usko identify kiya jaye, aur usko state guarantee chahiye to state guarantee di jaye, finance chahiye to finance aaya jaye, aur jo 18 bharat hai unme kahin na kahin usko jo hai rehabilitate kar diya jayega. Hence in future remaining criminal probably would not be an option. तो आपने अपराध कर दिया, आप जेल चले गए, आपको सजा हो गई, लेकिन आप अपराधी बने रहने की स्वतंत्रता आपको नहीं होगी. ऐसी ये पांच सर्टेंटी हैं और ऐसे ही पांच रेवेन्यू स्ट्रीम हैं. पहली रेवेन्यू स्ट्रीम है कि वायलेशन ऑफ लॉ को कैप्चर थ्रू टेक्नोलॉजी जो है उसमें पब्लिक को इनेबल किया जाएगा, क्योंकि सीएफबी का ये मानना है कि जिसका जो काम है वो उस काम को करने की बजाय उस काम को के उसको संरक्षण देने के लिए जो है ना वो पैसे ज्यादा लेने लगती है. तो फॉरेस्ट जो है ना वो जंगल कटवाने के लिए पैसा लेता है, एक्साइज डिपार्टमेंट दारू बिकवाने के लिए पैसा लेता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अवैध गाड़ियों को चलाने के लिए पैसा लेता है, पुलिस जो है ना जुआ सट्टा चलाने के लिए जो है ना वो करती है, लोकायुक्त और लोकपाल लोकायुक्त वगैरह और बाकी ओडब्ल्यू भी इसी तरीके के प्रसदाताओं काम करते हैं. तो जब कानून में एक पुलिस वाले को एक हर जनता के हर आम आदमी को एक पुलिस वाले का पावर दिया है, आपको मालूम है कि आप सभी लोग पुलिस ऑफिसर हैं, जिसको नहीं मालूम है वो हाथ उठाए. अच्छा शुक्ला जी आपको मालूम है, सर एक बार एक्सप्लेन करें. मैं ये कह रहा हूं भारत का हर नागरिक एक पुलिस वाला है, केवल फर्क इतना है कि आप जो है ना सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हैं और हम लोग जो है ना वर्दी वाले पुलिस वाले हैं, लेकिन हम दोनों ही पुलिस वाले हैं. और जिस देश में 137 करोड़ लोग पुलिस वाले हो वहां अपराध और अपराधी कैसे बच सकते हैं. तो आप पहले लीगली हम कोई जो है भावनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, हम कानूनी बात कर रहे हैं कि क्या आपको मालूम है आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं. नहीं इस तरीके से सब अपराधी भी पुलिस वाले हैं फिर. हाँ हाँ हर कोई पुलिस वाला है, बस ये बात है कि वो अपराध करेंगे तो जो है ना उन्हीं को उनका साथी पकड़ लेगा, वो अलग बात है. लेकिन यदि मान लो उस अपराधी के दूसरे साथी यदि कोई अपराध करते हैं तो वो अपराधी भी पकड़ सकता है क्योंकि वो भी पुलिस वाला है. लेकिन ये बात हम भावनात्मक बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कानूनी बात कर रहे हैं. आपको मालूम है क्या? नहीं. आपको मालूम है क्या कि आपको जो है लीगल राइट टू अरेस्ट है? सेक्शन 39. नहीं नहीं सेक्शन 43 सीआरपीसी आप यदि सर्च करें अभी तो उसका टाइटल ही ये है अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ. ये सेक्शन कहता है कि हर संज्ञेय और नॉन वेलेबल ऑफेंस में कोई भी व्यक्ति जो है ना गिरफ्तार कर सकता है, और एक दूसरा जो है यदि कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसे भी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है, और ये गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस की उपस्थिति में भी है. तो यदि पुलिस वहां खड़ी है तो भी आप गिरफ्तार कर सकते हैं. कानून उसी धारा में लिखा हुआ है कि यदि पुलिस की उपस्थिति में आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद उसे आपको पुलिस को सौंपना पड़ेगा और वो पुलिस वाला उसे रीअरेस्ट करेगा. तो अरेस्ट किसने किया? आपने. पुलिस वाले ने क्या किया? रीअरेस्ट किया. अब यदि मौके पे कोई पुलिस वाला नहीं है तो आपको नियरेस्ट थाने ले जाना पड़ेगा और थाने में उसे रीअरेस्ट किया जाएगा. और जो सेक्शन 39 है वो कहता है कि आपको इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉट ओनली द कमीशन ऑफ ऑफेंस बल्कि इंटेंशन टू कमिट क्राइम
ऑल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड। और यदि हम देखें तो जितने भी महत्वपूर्ण क्राइम हैं वो सब उसमें लिखे हुए हैं सेक्शन, मतलब अधिकांश जो है ऐसे अपराध जो हम लोगों के लिए मटेरियल हैं वो सब उस सेक्शन में लिखे हुए हैं कि वो सब उसमें कवर है। इसका मतलब है कि उन अपराधों में आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गूगल सेक्शन 39 एंड सी रीड इट। तो वो पूरा बता रहा है कि संज्ञेय अपराध होने पे या इवन हैविंग द नॉलेज ऑफ इंटेंशन ऑफ बीइंग कमिटेड यू आर लीगली हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट इट टू द पुलिस। और यदि आप इसे रिपोर्ट नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। और इसमें एक चीज और भी है कि नॉर्मल कोर्स में यदि आप कोई अपराध घटित करते हैं तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी होती है कि वो उसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करे, राइट। ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपने कई जगह पढ़ा होगा कि पुलिस हैज टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यदि संदेह भी थोड़ा बहुत रह जाता है तो पुलिस जो है ना कोर्ट इज सपोज टू एक्विट हिम। सेक्शन 39 के अपराध में वो कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग इनोसेंस लाइज ऑन यू, तो आप बेगुनाह हैं ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ये इतनी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम इसको एज ए बतौर पावर कहते हैं तो किसी ने कहा कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, तो बड़ा खतरनाक सेक्शन है, इसमें जो है ना हमको बंद किया जा सकता है और यदि हम रिपोर्ट करने भी जाएंगे तो कौन सा पुलिस लिखने वाली है, तो हम किसको रिपोर्ट करें। और उल्टा आप कह रहे हो कि आप हमें बंद कर सकते हैं और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हम इनोसेंट हैं, साहब ये तो बड़ा खतरनाक सेक्शन है। मैंने कहा ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ये सही में पावर है। क्योंकि आज यदि ये सेक्शन नहीं होता और आप पुलिस वाले को बताते या क्राइम फ्री भारत जो है किसी से भी क्राइम की इंफॉर्मेशन लेके इट विल गो टू द पुलिस एंड विल से हे आई हैव लर्नड अबाउट दिस कॉग्निजेबल ऑफेंस, नाउ इट इज माय लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी एंड यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रजिस्टर एफआईआर अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ द सीआरपीसी, सो प्लीज डू योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरी बात समझ रहे हो ना, ये कैसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है, राइट। यदि ये नहीं होता तो पुलिस वाला आपको भगा देता कि तुम जाना टहले जाओ, तुम कौन होते हो। तो इस सेक्शन से सबसे बड़ा फायदा ये निकला है कि अभी जो फरियादी अपने लिए लड़ रहा है आगे क्राइम फ्री भारत उसके लिए लड़ सकेगा। क्यों? क्योंकि कानून ने सेक्शन 39 दिया हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति साइन कर सकता है कि मैं जो है ना सो एंड सो, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है और मैं जो है ना ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, 154(1) में आप इसे रजिस्टर करिए। और यदि पुलिस वाला उसे एसएचओ से रजिस्टर नहीं करता है तो 154(3) यही जिम्मेवारी एसपी की है। यदि एसपी भी नहीं सुनता है तो कानून में 156(3) दिया है जो कि कोर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामान्य तौर में जो है कोर्ट इन्वेस्ट पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर करने से 156 में ही उसे रोका गया है। और 156(3) में जो है ना कोर्ट को कहा गया है कि यदि पुलिस एफआईआर ना लिखे तो आप एफआईआर करा सकते हैं और इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। यदि 156(3) के तहत कोर्ट ने जो ना आदेश दिया है कि आप एफआईआर रजिस्टर करिए तो उसे पावर ऑफ सुपरविजन भी मिल जाता है। तो कोर्ट के लिए 156(3) को अप्लाई करना ये एडवांटेजियस सिचुएशन लीगल सिचुएशन है। और यदि वो भी नहीं करता है तो 482 में एज ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन हाई कोर्ट को अधिकार है टू गेट योर एफआईआर रजिस्टर्ड। और यदि वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो पीआईएल एंड कॉन्टेम्प्ट पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। यदि ये सब आंकड़े इकट्ठे हो रहे हैं और ये आंकड़े जो है ना लेके आप यदि विधानसभा में जाएंगे तो विधानसभा में पूछा जा सकता है कि भैया ये इस व्यक्ति ने इतने इतने ऑफेंस का संज्ञान नहीं लिया है, क्या आप इसे सस्पेंड करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे। तो जब रिकॉर्ड के साथ यदि हम जाएंगे तो मना करना बहुत मुश्किल जाएगा। तो अनिल कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पब्लिक अपेक्षाएं कर रही है
वो पब्लिक अपेक्षाओं में कितनी सही है कितनी गलत है, मुझे नहीं लगता है कि वो गलत है। शुक्ला जी आप बताइए, अनिल कुमार जी शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शायद फेस कर रहे हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। सर देखिए, आम जनता को पब्लिक को अपेक्षाएं तो होती ही हैं, और जब भी उनका कोई काम नहीं हो पाता है या किसी कारण से उस काम में कोई रुकावट पैदा होती है तो उनका सीधा सीधा आक्षेप जो है शासन प्रशासन पर सीधा लगता है। और ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई ऐसा सिंपल वे आउट निकल करके आता है कि उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने में वो जो सिंपल सिस्टम है यदि उसकी मदद कर सकता है तो वो अपेक्षाओं को पूरा करने की जो उम्मीद करके बैठा है, जो उसकी अपेक्षा है कि ये मेरी कार्य पूरा होगा, उसमें कुछ संदेह नहीं रहेगा तो उसका विश्वास जागृत होता रहेगा। और जब ये विश्वास जागृत होता रहेगा तो क्राइम फ्री भारत की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं, जो ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं हम लोगों के बीच में, वो अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा। और जो 137 करोड़ तक पहुंचने की परिकल्पना हमारी है उसको हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। विश्वास के रूप में, विश्वास यदि उसमें पैदा हो जाता है हमारे माध्यम से, तो ये मान के हम चलते हैं कि वो उसके उसका उसके मन में जो विश्वास है वो विश्वास हमें कहीं ना कहीं एक नई ताकत पैदा करके देगा, और हम उस विश्वास के सहारे जो क्राइम फ्री भारत की हमारी कल्पना है हम उसको पूरा कर सकते हैं। अब आपने बिल्कुल सही कहा है, अब इसमें व्यवधान कहाँ है तो हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स। तो पढ़े बोले तो ऑब्स्टिकल वाली बात है कि मैथिलीशरण गुप्त इतने सारे टेक्निकल के काम कर रहे हैं, इतने सारे लॉ के काम कर रहे हैं, उन्हें कोडिंग नहीं आती है, राइट? तो वो दूसरे लोगों का यूज कर रहे हैं। यदि सरकार की शक्ति मिल जाए तो ये काम 2-3 महीने से और 6 महीने में बहुत आसानी से पूरे हो सकते हैं। yeah. क्योंकि पाथवेज मालूम है, सिर्फ कोड लिखना है। yeah. जो है ना बहुत आसानी से, बहुत सारे लिख लिए गए हैं, जो नहीं लिखे हैं उनको लिखा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जी हाँ, ठीक है ना। अब रही कानून वाली बात, तो कानून के ड्राफ्ट बना दिए गए हैं, कुछ थोड़े बहुत और ड्राफ्ट बनना है वो भी बन जाएंगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ में आईपीसी जो है ना, इविडेंस एक्ट और सीआरपीसी में क्या पर क्या जो है करेक्शन चाहिए फॉर क्राइम फ्री भारत, उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, वो भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि वे हल्ला गुल्ला क्यों है, फिर हम जो है ना भारत भूषण शुक्ला जी के पास क्यों गए हैं, एके सिंह जी के पास क्यों गए हैं, बाकी लोगों को क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसके पीछे जो एक संशय है कि नेताओं को अच्छी व्यवस्था कबूल नहीं होगी। तो सबसे बड़ा जो तकलीफ है वो सिस्टम को डिजाइन करना नहीं है, कानून को बनाना नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था को ये नेता लाएंगे नहीं। हालांकि एक आशा की बहुत बड़ी एक किरण है, क्योंकि इस समय सौभाग्य से जो है ना नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जैसे गृह मंत्री हैं, तो एक आशा की किरण है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग बाग यदि इन दोनों शख्सियत को थोड़ा किनारे रख दें तो लोग बागों को कहना होता है कि नहीं साहब, नेताओं को इतना अच्छा सिस्टम तो कबूल ही नहीं होगा। और फिर मैं कई बार ये बात कहता हूँ कि फिर ये नेता क्या है, तो मैं थोड़ा सा नेताओं के ऊपर कमेंट करता हूँ कि साहब 43% तो जो है ना उसमें उनके एडमिशन के हिसाब से क्रिमिनल्स हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है कि जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित होना की जरूरत है, क्या देश की बागडोर संभालने के लिए, क्या देश का कानून बनाने के लिए साक्षरित होने की जरूरत नहीं है? क्या जो है कोई भी रेपिस्ट मर्डरर चल सकता है क्या? क्या मायावती, मुलायम सिंह, लालू यादव जैसे जो है ना, और माया ममता बनर्जी और ऐसे ही ढेर सारे जो चरित्र हैं, यही जो है ना इस देश का जो है वो करेंगे क्या? तो इन नेताओं को साचरित और अच्छी चीजें क्यों कबूल नहीं है, दैट इज द अगेन इशू। और हमारे कानून ऐसे क्यों नहीं है कि जब चपरासी के लिए साचरित होना जरूरी है तो हमारे राजनेताओं को भी साचरित होना जरूरी है, इसको बंधनकारी बनाया जाना चाहिए, ठीक है ना? 2004 से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, फिर राजनेताओं को जो है ना
आप यदि एक दिन भी यदि हाउस में बैठ जाएंगे तो आपको पेंशन मिलेगी। आप जो इतने सारे कर्मचारी हैं उनका जो है पे कमीशन डिसाइड करता है कि उनको क्या वेतन मिलना चाहिए। ये राजनेता खुद अपने आप बैठ बिना बहस के जो ना उसे पास कर देते हैं। ये जो अपने आप को राजनेता कहते हैं, क्या सच में राजनेता है? वो तो सैकड़ों केस में जो है ना दारू बांटते पकड़े गए हैं, पैसा बांटते पकड़े गए हैं, साड़ी बांटते पकड़े गए हैं, और फ्री भी तो ऐसे जो है ना घोषणा करते हैं जैसे उनके पिताजी का पैसा। हमारे पैसे को वो फ्रीबी के बतौर बांटने का उनको क्या हक है? और चुनाव में तो बिल्कुल नहीं कहने कि उनका हक होना चाहिए। सिंह साहब, मैं कुछ ठीक ठाक कह रहा हूँ बात या ज्यादा गलत बात कह रहा हूँ? बिल्कुल अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि अच्छी चीज होने के कारण नेताओं को यह बात यदि कबूल नहीं होगी तो नेताओं को मजबूर करने का एक संसाधन पैदा करना होगा, और वो है जब भी असुरों और देवताओं के बीच में कभी भी संघर्ष होता था तो आप देखिए कि वो तपस्या करते हैं, अस्त्र शस्त्र जो है ना संधारण करते हैं, कभी कभी भगवान पैदा हो जाएंगे, कभी ब्रह्मा पैदा हो जाएंगे, कभी वो ब्रह्मास्त्र दे देंगे, कोई कभी शिवास्त्र दे देंगे, कोई ना कोई देवी अपना कोई अस्त्र दे देगी। तो यदि आप बिना शस्त्रों के और बिना अस्त्रों के और बिना शक्ति के होंगे तो ये दुष्ट व्यवस्था आपकी मुंडी को ऐसे मड़ोर के फेंक देगी। तो शक्ति का संधारण करना पड़ेगा, और वो शक्ति का रास्ता है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब की जो सब्सक्राइबर संख्या है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी तरफ से बहुत सारे मैसेज चलते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब क्राइम फ्री भारत, प्लीज सब्सक्राइब। तो ये सब्सक्रिप्शन के पीछे जो मकसद है कि लेट दिस फिगर शुड रीच टू द करोड़ एंड करोड़ विच कुड डिफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपुल स्टैंडिंग बिहाइंड द क्राइम फ्री भारत। आज की जनता इतनी निराश हो चुकी है कि उसे आशा के दीपक दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये दो ही एक्टिविटी कर रही है, एक तो ये कह रही है कि देखो भाई ये ऐसा महाभारत है जो शक्ति का प्रदर्शन करके ही जीतने की इच्छा है, लड़ने की इच्छा कम है, सिर्फ शक्ति को दिखा के। तो आपने देखा हो एक बारबेरिक था राइट, तो उसके पास देवी के 3 सत्य होते हैं, तो वो जो है ना उससे पूछा गया कि वो महाभारत कितने समय में खत्म कर सकता है, तो उसने कहा कि 3 पल में। एनीवे भगवान कृष्ण ने जो ना उसके गला काट के उसको किनारे रख दिया कि बोले तुम तो बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम ठीक नहीं हो, ठीक है ना। सो लोगों में जो इतनी निराशा जड़ पकड़ चुकी है उसमें वो आशा का दीप जलाना बहुत जरूरी है, और ये यदि महाभारत है तो महाभारत में आम जनता को ये बताना बहुत जरूरी है कि वो इस महाभारत के अर्जुन है। इसलिए हमने जो है ना, आपने कही हो मेरे मैसेज में पढ़ा हुआ, हे पार्थ उठो गांडी उठाओ, ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत है, इसे करना ही होगा, अन्यथा तुम्हें धनोद्धारी के रूप में याद नहीं किया जाएगा, तुम एक कायर के रूप में जाने जाओगे, हर कोई तुम पर थू थू करेगा, आगे वाले आने वाली जनरेशन भी आप पर थू थू करेगी। तो ये जो अर्जुन रूपी गांडीव धारी है ये तीर नहीं चलाएगा, ये शंखनाद करेगा, और वो शंख चूंकि आजकल के जमाने में घरों में है नहीं, तो थाली को शंख निरूपित कर दिया गया है, तो ये लोग जो है थाली रूपी शंख बजाएंगे। तो इस कवायद के पीछे पूरा लक्ष्य ये है कि लोगों को बहुत जल्दी जोड़ा जाए, जो आप जैसे लोग हैं उनको जो है एनर्जी का सोर्स मान के जितने भी लोग हैं उनको बहुत जल्दी जोड़ा जाए। कुछ लोग जो है जो कि बड़े महान कार्यों में फंसे होंगे उन्हें महान कार्यों में फंसा रहने दिया जाए, उनको वो यदि ग्रुप छोड़ के भागते हैं तो भाग जाने दिया जाए, उसके ऊपर उसको नजरअंदाज किया जाए। और क्योंकि हर काम तो यीशु ने प्रारब्ध के रूप में हर किसी को नहीं दिया है, तो यदि किसी को जुड़ना प्रारब्ध नहीं है तो वो नहीं जुड़ पाएगा। पांडे जी, जैसे आपको प्रारब्ध के रूप में
इतना बड़ा काम मिला है, ठीक है ना, कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो ये प्रारब्ध है आपका। बिना प्रारब्ध की आपको ये इतनी बड़ी चीज नहीं मिल पाती है। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं है जो आपको मिल रहा है। तो ईश्वर ने जिसे ये मौका दिया होगा वही जो है ना क्राइम फ्री भारत के शंखनाद का हिस्सा बन पाएगा। और हर ऑर्डिनरी व्यक्ति, जो बाकी बड़े व्यक्ति हैं हम जैसे आप जैसे, उनकी ईगो थोड़ी सी बड़ी है। तो यदि छोटी ईगो वाले लोग जो है, ज्यादा एनर्जी वाले लोग यदि हम जोड़ पाए तो शायद हम बहुत जल्दी 137 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। और यदि 137 करोड़ जो व्यक्ति यदि थाली बजाएंगे तो ये किसी की औकात में नहीं है कि क्राइम फ्री भारत आपको ना मिले और जो 18 और भारत कहे जा रहे हैं वो आपको ना मिले। यहाँ पर जो किसान हैं उन्हें मिनिमम प्राइस के लिए नहीं लड़ना झगड़ना पड़ेगा, उन्हें उसकी दुगनी और तिगनी प्राइस मिलेगी, क्योंकि वो अन्न पैदा नहीं कर रहे होंगे, वो अमृत पैदा कर रहे होंगे। भारत में उगाया हुआ अनाज जो है इंटरनेशनल मंडी में 5 गुना और 10 गुना कीमत पे जाएगा, बिकॉज इट विल नॉट बी हैविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू बट इट विल बी हैविंग द मेडिसिनल वैल्यूज एंड इट विल बी हैविंग दैट काइंड ऑफ द वैल्यू। तो लोग बाग लाइन लगा के लेंगे और आप उनको जो है ना राशन के तरीके से कहेंगे भाई हम आपको तो इतना ही मैट्रिक टन दे सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। एंड द सेम थिंग विल बी विद द हनी, सेम थिंग विल बी विद द मिल्क। एंड जो साइंटिस्ट लोगों ने चमत्कार किया है, हम उन साइंटिस्ट के चमत्कारों को छोटा करेंगे फिर से, क्योंकि उन्होंने चमत्कार के नाम पे जो है नेचर के खेल को बहुत बिगाड़ा है। जो चीज जहां पे पैदा होती है वहां पे उसमें मेडिसिनल वैल्यू भी है, टेस्ट भी है। जिस सीजन में पैदा होती है उस समय उसका बहुत मेडिसिनल इफेक्ट है। गर्मी में आपको जो है ना पपीता, आपका जो है ना ककड़ी, वाटरमेलन एंड ऑल दोस थिंग्स, जो कि दे आर रिच इन वाटर एंड दे आर रियली एज ए मेडिसिन फॉर द से समर। ऐसे ही विंटर में विंटर जैसी चीजें हैं, हमने उसको 24-12 महीनों के लिए बना दिया है। हम जो चीज चाह रहे हैं वो जहां पैदा चाह रहे हैं, अब हम उसको इस चीज को रिवर्स करके उल्टा करें, जहां पे जो चीज बेस्ट पैदा हो सकती है उसको वहां पे पैदा करें। और जैसे हम एविडेंस को पैक करते हैं वैसे ही हम प्रोडक्ट को डेट टाइम और लोकेशन स्टैम्प के साथ जो है ना करके QR कोड लगा के इंटरनेशनल मार्केट में 10 गुना प्राइस पे बेचने की बात करें। That will be changing the whole thing. And लोगों में होड़ बन लगेगी कि हमें भारत का गेहूं चाहिए, क्योंकि भारत का जो लाल गेहूं है इट इज रिच इन फाइबर, इट इज हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिनल वैल्यूज। और जो अपने जो है चाहे वो फर्टिलाइजर हो चाहे पेस्टिसाइड हो, उनका देखिए पंजाब में इतने फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से चीजें हो रही हैं, वहां पे क्या स्थिति बन रही है, कैंसर ट्रेन चल रही है। हम जो है जितना मिल्क पैदा कर रहे हैं उससे 3 गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो 2/3 ऑफ द मिल्क इज हैविंग द केमिकल ओरिजिन। और देयर इज अ रिसर्च के जो यदि केमिकल ओरिजिन के मिल्क को हम लगातार 4 साल तक यदि कंज्यूम करेंगे तो 87% पीपल जो है ना दे विल सफर फ्रॉम कैंसर। तो क्या हम आगे चल के कैंसर प्रधान देश बनना चाहते हैं क्या, जहां की आयुर्वेदिक और जहां की जो मेडिसिन इतनी फेमस रही है, जहां कोरोना को 2 बूंद जो है ना नींबू से उड़ाया जा सकता है, वो क्या कैंसर प्रधान देश बनेगा क्या? कृषि प्रधान से कैंसर प्रधान देश बनने जा रहा है क्या? तो जो क्राइम फ्री भारत है, दैट्स व्हाई इट हैज कम आउट विद द 18 मोर भारत, विच इज टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, केमिकल फ्री एग्रीकल्चर भारत, मिल्क रिच भारत, हनी रिच भारत, जॉब एंड सर्विसेज रिच भारत, मशीन एंड इक्विपमेंट रिच भारत, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन रिच भारत, बिला 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 बिला। आप सोच नहीं सकते हैं कि इसकी सोच, बल्कि उसमें एक चीज तो ये भी है कि नेगेटिविटी फ्री भारत। एंड हर चीज के लिए मॉडल्स हैं, इट इज नॉट ए स्लोगन, इट इज ए फुल ऑफ मॉडल एंड पाथवेज।
और मेरा ये मानना है कि मैथिली शरण गुप्त इतनी बड़ी बात नहीं सोच सकते हैं, तो कोई एक ईश्वरी शक्ति जो है ना फोर्स कर रही है मुझे ये सब चीजें कहने के लिए। मुझे कोई भी कठिनाई आती है दूसरे दिन मुझे उसका सॉल्यूशन ऊपर से डाउनलोड हो जाता है। नाउ इट इज नॉट ए इश्यू एट ऑल। तो अब पूरी चीज जो है ना निचोड़ के आती है तो आती है कि साहब जो है ना नेताओं को कबूल नहीं होगा। सो इट इज ए डेमोक्रेसी, इज इट ए गवर्नमेंट फॉर द ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, और इट इज ए पॉलिटिकोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पॉलिटिशियन फॉर द पॉलिटिशियन ऑफ द पॉलिटिशियन। शायद मेरे ख्याल से ये दूसरी बात ज्यादा सच हो रही है। समय आ गया है कि हम लोग जागें और मिलके जो है ना इसे करके दिखाएं। क्या कहना है आप लोगों का बताइए। मेरे ख्याल से एक तो पहले बताइए कि हमने सभी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा कन्विंस करते हुए कुछ कुछ कन्विंस आप हो रहे हैं उससे, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो हवा हवा ही दिख रहा है। नहीं, प्रयास तो आपका बहुत सुंदर है और जब पहली मीटिंग है हमारी, इसलिए हम ये भी नहीं कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा या कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ यूनाइट होकर के हम इस प्रोजेक्ट को यदि आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि सक्सेस नहीं मिलेगा, सक्सेस तो मिलेगा। टीचिंग ट्रबल्स आ सकती हैं हमारे सामने और आएंगी भी सही और आ भी रही हैं, लेकिन हम इस टीचिंग ट्रबल से डर करके भाग नहीं सकते। यदि क्राइम फ्री भारत को बनाना है तो कुछ हर्डल्स हमारे सामने होंगे और उन हर्डल्स को एक तरफ रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बिना शक्ति के कुछ नहीं होगा, तो तपस्या भी करना होगी और शक्ति संधारण भी करना होगा। मांगने से भीख नहीं मिलती है, भगवान राम ने कहा है विनय न माने जलधि जड़, गए तीन दिन बीत बीत बोले राम सकोप बस बन भय बन होए ना प्रीत प्रीत। सही बात है। तो यदि आप हाथ जोड़ के, जो कि हम हर बार कहते हैं, मैं तो प्रार्थना ही करते करते दुबला हो गया हूँ, मेरा कई किलो वजन कम हो गया है, अब मुझे लग रहा है कि प्रार्थना बहुत हो गई है लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमें मालूम है कि हमारे गृह मंत्री बहुत अच्छे हैं, और यदि प्रार्थना से काम बन जाए तो महाभारत में भी उन्होंने कहा था इधर पांच गांव दे दीजिए हम इसी में खुश हो जाएंगे तो हम लोग, हाँ प्लीज पांडे जी। गुप्ता जी, आपका उद्देश्य जिस तरफ जा रहा है बिल्कुल ही समयानुकूल है, और आप ये सोच रहे हैं कि अमित शाह जी या मोदी जी दो लोग जिस भी जगह पर जो काम कर रहे हैं वो अपने मन से ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो भी विधि के अनुकूल ही है, डिवाइन फोर्सेज ही करा रही हैं, जैसे आपसे करा रही है ना वैसे उनसे भी डिवाइन फोर्सेज ही करा रही हैं। ये जिस मिशन में मैं हूँ फिलहाल, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है युग परिवर्तन का समय है, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, इसमें सारी शक्तियां डिवाइन फोर्सेज लगेंगी और जितने अच्छे दिमाग हैं वो सब डिवाइन फोर्सेस से प्रेरित होकर के कंस्ट्रक्टिव वर्क की तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन इजी हो जाएगा। और हर फील्ड में होंगे, जैसे आपने जितने फील्ड अभी गिनाए हैं, मैं तो शुरू से सुनने की और समझने की कोशिश कर रहा था कि आपकी दिशा क्या है और उन दिशाओं में क्या क्या चीजें आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो मुझे लगा लीगल और पुलिस ही है क्या, लेकिन जब धीरे धीरे आपने चीजें अनफोल्ड की हैं तो मुझे समझ में आया है कि आप कई चीजों को इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। यही होना ही है, ये केवल हम और आप माध्यम बन सकते हैं, और बहुत अच्छी जरूरत है माध्यम बनने की। ईश्वर खुश होगा कि हम उसके माध्यम बन रहे हैं, परिवर्तन के माध्यम बन रहे हैं, और सफलता बिल्कुल आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, इसकी आप बिल्कुल चिंता मत करें, केवल काम करते चलिए, हो जाएगा, ये हमारा पूरा मतलब पूरा विश्वास है। थैंक यू। और उसी विश्वास के तहत हम यहाँ भी हैं, ठीक है? ठीक है। और हमारी तरफ से जो भी चीजें समय, जैसे आपने कुछ अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी है, इनडायरेक्टली आपने कहा है, हम लोग भी उसी दिशा में काफी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक विषय रूरल इकोनॉमिक्स आपको बताया था,
और हनी की आपने बात करी है, मिल का हमारा अपना ही बहुत एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, और उन चीज़ों को उलटने की दिशा जो अभी तक पीछे, चूँकि वाइट रिवॉल्यूशन हुआ है पिछले करीब 30-40 सालों में, लेकिन उसमें जो कमियां रह गई हैं, जैसे आपने केमिकल वाली बात कही है, उसको वापस दिशा देने करके लिए प्रयास शुरू हो गए हैं। जो लोग पहले नहीं तैयार थे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जो साइंटिस्ट थे वो नहीं तैयार थे इन कामों के लिए, लेकिन कुछ डिवाइन फोर्सेस की वजह से ऐसा मस्तिष्क बदल रहा है कि सब लोग अब को बात समझ में आ रही है कि नहीं साहब वो तो हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, अभी इसको मोड़ करके इस तरफ लाना है। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे कभी। पंडित जी, तो हमने केवल एक छोटी सी बात में जोड़ना चाहता हूँ। जी हाँ, इसका रास्ता एकदम अलग होगा। जी हाँ, इसका मैक्रो से माइक्रो की तरफ होगा, उल्टा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें ये चैलेंज ये है कि यदि सभी लोगों को अच्छा दूध मिले तो कितना दूध का कंजम्पशन होगा, और जब ये दूध अल्फा टू वैरायटी का होगा, जो कि यहाँ की सिर्फ इंडिया की गाय यदि विदेश में ले जाएंगे तो वो अल्फा टू की वैरायटी के मिल्क में फर्क आ जाएगा, तो उस अल्फा टू की असली गुड़ वाला जो है दूध वो इंडिया में ही पैदा हो सकता है। ये बारीकी आत्माराम जी आपको भी मौका देते हैं, लक्ष्मी जी जो है वो गाय के गोबर में विराजित है, तो हमें अपना ध्यान गाय के दूध से हटा के गाय के गोबर पे भी हम ले जाएंगे तो हम कृषि का भी कल्याण करेंगे, हम हेल्थ का भी कल्याण करेंगे, हम अल्फा टू मिल्क भी पैदा करेंगे, हम अल्फा टू घी भी पैदा करेंगे, और हमें कितना गाय के गोबर चाहिए, हमें उसके लिए कितने कैटल चाहिए, और वो कैटल हम कितने समय में पैदा करेंगे, वो मैक्रो प्लानिंग से चालू करना पड़ेगा। आपने 10 गायें रख ली, हमने 100 गायें रख ली हैं, इससे हम भारत का और विश्व का कल्याण नहीं कर पाएंगे। यदि हमें 50 मिलियन गाय चाहिए तो 50 मिलियन गाय हम कैसे और कितने समय में पैदा करेंगे, हमें उस प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। यदि हम हर्बल मेडिसिन पैदा कर रहे हैं तो पूरे विश्व के लिए हमें कितने मैट्रिक टन जो है ना पैदा करना होगा, उससे चलना पड़ेगा। और हमें साथ में ये भी सिद्ध करना पड़ेगा, जो हमारा जो हर्बल मेडिसिन है इट इज हैविंग द डिफरेंट मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि यदि उसी पेड़ को आप कहीं दूसरे देश में उगाएंगे तो इट विल नॉट बी हैविंग द सेम मेडिसिनल वैल्यू। तो जैसे हम इविडेंस को पैक करते हैं, ऐसे ही हम अपने प्रोडक्ट को भी डेट टाइम और लोकेशन के साथ स्टैम्प करेंगे, QR कोड के साथ करेंगे, जिससे उसके साथ कोई घपलेबाजी ना कर पाए, और उसको भी दुगना और तिगुना कीमत पे बेचने की बात करेंगे। इट इज ए वेरी कन्विंसिंग थिंग। पांडे जी, अब आप कुछ कहना चाहते हो? आत्मनाथ जी, आप भी कुछ कहना? दो तीन पॉइंट कह रहा था। एक, आपने A2 दूध की बात करी है, A2 दूध की बात की है। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा कुछ लोगों को मतलब कंफ्यूजन है, मैं वो आपको क्लियर कर रहा था कि A2 दूध जो है वो केवल HF गाय का नहीं है। HF का जो हॉस्टिस फ्रीजियन का वो है, काली सफ़ेद वाली जो अमेरिकन गाय है, उसका A1 मिल्क है, बाकी सबका A2 है। शीप का, गोट का, सारी देशी काउज का, बफलोज का, यहाँ तक कि जर्सी गाय का भी सबका A2 दूध है, ठीक है ना। केवल A1 किसका है? HF काउ का है। न्यूजीलैंड कॉर्पोरेशन जो बना था, A2 कॉर्पोरेशन, वहाँ पर जब ये रिसर्च हुई थी तब से ये चीज़ दुनिया को क्लियर हो गई है। हालांकि अभी बहुत लोगों को इस बात में कंफ्यूजन है, उसमें कुछ डिस्प्यूट है और उनके विरुद्ध केस भी चला था। हाँ, वो डिस्प्यूट हुआ था है। लेकिन इस टाइम उसमें चूंकि जितनी भी HF गायें हैं सब बेकार घोषित हो गई, लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया कि नहीं साहब इसका दूध नहीं पिएंगे, तो नेचुरली उन लोगों ने मिल करके केस लगाया और यूं किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिसर्च है वो है, अपनी जगह है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो A2 दूध तो अपने यहाँ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात इसकी आती है, जो आपके मैं दूसरा पॉइंट कहना था कि ये HF गायें लाए भी हम ही लोग थे, मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिल करके हम ही लोग लाए थे HF बाहर से, उनके बुल्स लाए थे और फार्म खुलवाए गए थे, और हमने 25-30 साल यही काम किया। लेकिन ऑफ लेट वी रियलाइज्ड कि ये काम ठीक नहीं है फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि इससे एग्जॉटिक डिसीजेज भी हम लाए हैं अंदर अपने देश में,
जो अपने कंट्री में वो बीमारियां नहीं होती थी, गायों की बीमारियां नहीं होती थी, वो बीमारियां भी हमने साथ में इंपोर्ट कर ली विदेश गायों के साथ में। एक सबसे बड़ी समस्या वो हो गई, और दूसरी वो चूंकि एक दूसरे क्लाइमेट में आ गई हैं इसलिए रोज बीमार पड़ने वाली दिक्कत भी है, और हमारी देशी गायें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, लोकल कंडीशंस में रह सकती हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक ही समस्या है, लो प्रोडक्शन। तो अभी पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हो, डेयरी फेडरेशन हो, सभी इंस्टीट्यूशन जितनी इससे रिलेटेड है, सभी ने इंडिजीनस काउ डेवलपमेंट या ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं पिछले करीब 15-18 सालों से, और अब पूरा चेंज हो रहा है माहौल अभी। अच्छा, पांडे जी, हाँ, पांडे जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हम अपना ध्यान जो है दूध से हटा के यदि गोबर पे ले जाएंगे तो ज्यादा बड़ा कल्याण करेंगे। मैं आ रहा हूँ उस पे, आ रहा हूँ मैं दो मिनट उसके लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि हम उसी फील्ड में काम कर रहे हैं ना, इसलिए चर्चा हो रही है, तो इसलिए मेरा कहना समीचीन है। वो अब हिंदुस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन है, और 19 करोड़ गायें हैं हमारे यहाँ करीब, उसमें 4 करोड़ विदेशी गायें हैं, 15 करोड़ देशी गायें हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा है। और टोटल जितना मेट्रिक टन उत्पादन है गोबर का, हर गाय का यदि 12 किलो 14 किलो 15 किलो पर डे का भी हम उत्पादन मान लें गोबर का, तो हमारे यहाँ जितना गोबर का उत्पादन है, और वो सारा का सारा यदि कंपोस्टिंग में या वर्मी कंपोस्टिंग में यूज होने लगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन उसका आधा फ्यूल में चला जाता है, लोग कंडे बना लेते हैं, लोग ईंधन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारी रिलेटेड समस्याओं को भी हमें देखना है कि ईंधन में गोबर इस्तेमाल ना हो, ईंधन में चाहे गैस इस्तेमाल होने लगे या दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट से वो इस्तेमाल होने लगे, तो गोबर बच जाए हमारा पहले तो खाद के लिए, इस पे कंसंट्रेट करना है, वो हम लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं। गोबर, पत्तियां, गाय मूत्र, मैं आ रहा हूँ उसी में, मैं आ रहा हूँ सर उसी में, और माइक्रो पर भी ध्यान देना। मैं कर, हम लोग कर रहे हैं उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, आपका भी मौका लगेगा आपको दिखाएंगे भी, तो हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग पे बात कर रहे हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपका बेस है? हम हरिद्वार में हैं। आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। हरिद्वार में है, वर्मी कंपोस्टिंग की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, और सारा कुछ फ्री, एवरीथिंग इज फ्री, गाँव से बुला करके लोगों। एक चीज ये बताइए जी, हाँ, पहले घर घर में पापड़ और वो सब होते थे, इस फास्ट जमाने में पापड़ और ये सब चीजें विलुप्त हो गई हैं। जी हाँ, क्यों? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के जमाने में कोई सीख के खुद करना नहीं चाहता है, राइट? तो हम सिखाने की बात अब बंद कर दें, तो मैं एकदम आप ये आपके लिए बहुत जरूरी बात कह रहा हूँ। हमारा इसमें मानना है कि आजकल का जमाना स्टार्टअप का है, तो हम बहुत स्पेशलाइज लोगों को ट्रेनिंग देके उनका उनको जो है ना स्टार्टअप बना दें, और वो आपके यहाँ जाके उनका काम हो कि वो आपके यहाँ के खाद बनाए। हमारे आपका गोबर, आपकी पत्तियां, आपका गोमूत्र, लेकिन वो उसको प्रोफेशनली करके उनका काम है, और वो पैकेज करके जितना आपको चाहिए वो आपके लिए छोड़ देंगे, और बाकी पैकेज करके इट विल गो वेयर इट एवर इट इज रिक्वायर्ड। इससे हम थोड़ा आगे हैं, ओके, आगे इस सेंस में है कि हमारे पास करीब 150 गायों की गौशाला है, हम उस गायों के गोबर को कैसे यूज करना है, उसके लिए एक बायोगैस प्लांट भी हमने बड़ा लगा रखा है। वो बायोगैस प्लांट की गैस कैसे यूज करते हैं, वो जो आप काउ प्रोडक्ट्स गोबर के प्रोडक्ट बता रहे हैं ना, काउ यूरिन के जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, वो हम सारे प्रोडक्ट भी बनाते हैं, करीब 20-22 प्रोडक्ट्स हैं, उनका कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइसेंस्ड यूनिट है, उसको बना करके उसको भी लोगों को सिखाते हैं इन द सेंस, केवल इस काम के लिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप अपनी शुरू करें। हमारा अपना कोई ये काम नहीं है कि हम बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। नहीं, हमको बिजनेस करना है जिससे कि पूरी पॉपुलेशन को हम कैटर करें, मैक्रो कैलकुलेशंस हों, और आगे चल के हमें नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट की बात करना चाहिए। आपका जो दो ड्रॉप जो है, यदि घी की, यदि नाक में दो दो बूंद घी की चली जाएंगे, शुद्ध घी की, तो आपको जो है ना बुढ़ापे की कोई बीमारी नहीं होगी। आपको ये मालूम है कि नहीं? तो फिर ये बड़े बड़े डॉक्टर हमको क्यों मूर्ख बना रहे हैं? भाई देखिए, हमें जो है केमिकल कंपाउंड खिला के
क्यों बेचारे जो है ना हमको ऑटोनोमस डिसीजंस के चक्कर में फंसा रहे हैं, ये पूरा रिवर्सल करने की जरूरत है। Somebody has to talk in this language. नहीं लोग बात कर रहे हैं इस लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन आपको घेरना पड़ेगा फ्रॉम द मेडिकल काउंसिल से कि साला आप जो है ना वो हॉस्पिटल का रिकॉग्निशन ऐसे फर्जी तरीके से कर रहे हो, आप जो है ना एंटरप्रेन्योर और जो है ना फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिलके एक घपले कर रहे हो। नहीं, कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ और भी लोग करेंगे, सब लोग मिलजुल के करेंगे। नहीं नहीं, क्राइम फ्री भारत तो एक पैकेज डील है पूरी। हाँ, सब लोग मिलजुल के ही होगा, सब मिलजुल के होगा, ऊपर वाला हमारे हाथ पकड़ के करवाएगा साहब। आत्माराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सर मेरा नाम आत्मानंद गुप्ता है और मैं भोपाल शहर से हूँ। आपने सर जितना सर गुप्ता सर आप जो भी बात अभी हमारे साथ शेयर करी है, मुझे तो बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि जनता को भी राइट्स है, उसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं एफआईआर वाले, तो नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। सो ये दैट ऑटोमेटिकली क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो कम से कम हम उसको अपराधी को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे या कुछ बताएंगे हमारे पास भी कोई राइट्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे बड़ी वाली बात तो ये कह रहा हूँ, जो सारी चर्चा का जो निचोड़ है वो गीता सारी, ये जो मैंने आपको बताया है आप उसको इमीडिएटली भूल जाना जब तक हम आपको टेक्नोलॉजी ना दे दें उस काम को करने की, नहीं तो पुलिस वाले आप जाएंगे उनको करने के लिए, पुलिस वाले आपको ही बंद कर देंगे। नहीं नहीं, मैं तो कोई इंप्लीमेंटेशन पार्ट नहीं करूंगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब है नॉट ओनली द लीगल राइट, लेट द टेक्नोलॉजी शुड ऑल्सो बी मेड अवेलेबल सो दैट यू कैन एक्सरसाइज योर लीगल राइट, यू कैन शेयर योर इन्फॉर्मेशन विदाउट योर आइडेंटिटी इज बींग शेयर्ड, एंड यू शुड गेट द रेवेन्यू स्ट्रीम ऑल्सो। तो आम के आम और गुठलियों के दाम के तरीके से जाएगा तभी वो काम करेगा, नहीं तो सिस्टम की दुष्टता। आप जो है ना व्यक्ति को बचाने जाते हो और वो कहते हैं कि तुम्हें एक्सीडेंट किया, तुम्हें को बंद करो, ठीक है ना। ऐसे 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 सैकड़ों केसेस है, यदि यदि उन्होंने बंद नहीं किया तो कम से कम आपको हरासी कर देते हैं, दो घंटे पूछताछ ही कर दिया, तो आदमी को लगता है यार अब तो बचाने गए थे, साला ये क्या हो गया हमारे साथ, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो हमने आपको कानूनी ज्ञान दिया है, इट हैज टू बी पैकेज्ड एंड सपोर्टेड विद द टेक्नोलॉजी सो दैट नोबडी ऑन अर्थ कैन हरास यू, नंबर वन। नंबर टू, वट एवर यू हैव डन, योर एनोनिमिटी शुड बी देयर सो दैट नोबडी शुड बी इन पोजीशन टू इवन हार्म यू इन फ्यूचर। नंबर थ्री, यू शुड गेट इक्विवेलेंट रेवेन्यू स्ट्रीम आल्सो, जिससे आपकी हालत मालामाल हो जाए, क्योंकि आपको मालामाल करना भी क्राइम फ्री भारत का एक मकसद है। मुझे तो एक इन्फॉर्मेशन मिली दैट आई एम नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंटिंग इट, क्योंकि मेरे पास उसके अभी राइट्स नहीं है जो आप पूरा उसको बनाएंगे। नहीं, नहीं, आपको आपको तो लीगल राइट है, लेकिन सामने वाले दुष्ट आपके वो लीगल राइट को माने तब ना। हाँ सही बात है, सही कह रहे। मतलब सवाल ये है ना कि सिस्टम में तो दुष्टता भरी हुई है ना, तो इसलिए टेक्नोलॉजी के साथ यदि आप जाएंगे तो आपकी सब चीज सुरक्षित रहेगी, इंक्लूडिंग आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियलिटी। इसलिए जो क्राइम फ्री भारत इज नॉट ए कि ऐसा ऐसा, इट इज ए फुल पैकेज, इट इज ए सॉल्यूशन, इट इज नॉट ए सजेशन, इट इज ए सॉल्यूशन, इट इज ए पैकेज सॉल्यूशन, फाइनल पैकेज सॉल्यूशन विच विल टच एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। जैसे हमारे माननीय पांडे जी जो कह रहे थे, पांडे जी जो बात कह रहे हैं वो सब भी क्राइम फ्री भारत में हमने कहीं ना कहीं उसको वो किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक हम वहां पे नहीं जाएंगे, यदि हमारा पेट खाली रहेगा तो हम जेल जाने के लिए अपराध करेंगे, जेल जाने के लिए अपराध यदि कोई करेगा तो उसे कौन रोक पाएगा? यदि मैथिली शरण गुप्त जेल जाने के लिए कुछ करेंगे तो फिर कौन रोक सकता है? मुझे रोक सकता है कोई? नहीं सर। तो जेल जाने के लिए भी अपराध करना संभव ना हो, ऐसी सोच के साथ जो है और ऐसी मेथोडोलॉजी के साथ जो है आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो जो चीज में योगदान कर सकता है, जो टेक्नोलॉजी में योगदान कर रहा है वो टेक्नोलॉजी में करे, जो एग्रो में काम कर रहा है एग्रो में करे। जैसे हमारे पांडे जी बहुत अच्छे एक रिसोर्स पर्सन मुझे मिल गए हैं, उनको जोर से पकड़ के रखना है। आप लोग जो है ना बहुत अनिल कुमार जी आप भी बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन है, शुक्ला जी भी बहुत अच्छे रिसोर्स पर्सन है, और हम चाहेंगे कि बैंकर्स और इन सब लोगों को जोड़ के अवेयरनेस और उसके नाम पे जो हम मॉडल डेवलप कर रहे हैं वो कुछ मदद जो है ना उस जगह से मिल जाए, जिससे हम फास्ट जो है ना कुछ इंजन वहाँ डेवलप कर दें, राइट, जिससे कि जो यात्रा
सरकार से अभी तक नहीं हो पा रही है तब तक अपन आराम से नहीं बैठेंगे, अपना काम करेंगे। सर आपकी बात कहने का मतलब जो मैं समझा गीता सार, मतलब कि व्हेनेवर फेलियर इन योर लाइफ गो टू द बेसिक्स, तो अब मतलब पुरखों की जड़ों में फिर से जाना पड़ेगा, जो हमारे पुरखे काम करते थे सर गांव में लेवल के, उसको भी फिर से जगाना पड़ेगा, तो उससे हो सकता है कुछ लोगों को काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, तो अपराध भी कम होगा। सर आप इसमें जो है बेसिकली वी आर पुटिंग द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, वी आर पुटिंग द स्टार्टअप कॉन्सेप्ट एंड उनको बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एंड स्पेशलाइज नॉलेज दिया जाएगा, और उनको जो वो सर्विस देंगे उसमें एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी भी लाया जाएगा। तो दोज एप विल नॉट ओनली बी कैप्चरिंग दैट इफिशियंसी, विल नॉट बी टॉकिंग ऑफ द कॉस्ट एट्स ओनली, दे विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ ह्यूमिलिटी इज इन प्ले। मतलब जो व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है वो आपको ठीक से नमस्कार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाउ सॉफ्टली ही इज स्पीकिंग टू यू, वो यदि आप अंदर हैं और आपको नॉक करके जा रहा है तो नॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वापस लौटते वक्त वो दरवाजे को बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इवन दोज काइंड ऑफ द फाइनर डायमेंशंस वुड बी कैप्चर्ड थ्रू द ऐप एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फाइनेंशियल वैल्यू। दैट इज द थिंकिंग ऑफ क्राइम फ्री भारत। गुड गुड, मतलब इसकी जो मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि इसकी सोच की जो पकाव है वो बहुत गहरा है और इसकी जड़ें कहीं दूसरी जगह से आ रही हैं, नहीं तो एक पुलिस ऑफिसर को इतनी सारी बातें नींबू के पानी नींबू की बूंद से लेके, नारियल के बूंद से लेके, घी के बूंद से लेके, पांडे जी का भी फील्ड, इनका भी फील्ड, उनका भी फील, और एक पुलिस ऑफिसर को इन सब चीजों से क्या लेना देना भाई। आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास होना चाहिए सर। इट हैज टू बी पैकेज्ड। हमें असमानता की बात नहीं करना चाहिए, हमें वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना। आर्थिक असमानता सर, आर्थिक इकोनॉमिकली। देखिए असमानता में आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हो। अच्छा सर। और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में आई एम टॉकिंग ऑफ द पॉजिटिविटी। आप गरीबी बांटने की बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। Okay. कोई गरीबी नहीं रहेगा वाली बात। Are you getting my point? हाँ, मैंने बहुत पहले सुना था, एक बड़ा भाई है, बड़ा ऑफिसर है, छोटा भाई कुछ कमजोर है, तो एक ने बनाई 5 मंजिल की बिल्डिंग, एक ने बनाई 1 मंजिल की बिल्डिंग, तो उसको जब पैसा नहीं होगा तो अपराध की तरफ जाते लोग। आर्थिक असमानता लीड्स टू क्राइम, सो हाउ टू ओवरकम दिस। देखिए वेल्थ जो है के तरीके डिस्ट्रीब्यूशन के दो तरीके होते हैं, एक होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट। तो इसमें डायरेक्ट हाईवे बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट वे ज्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम विल गो टू एवरीबडी। लोग बाग सरकारी नौकरी आगे करके काम करेंगे, दे विल बिकम द फ्रीलांस एक्सपर्ट्स एंड फॉर डूइंग देयर जॉब दे विल बी गेटिंग ह्यूज रेवेन्यू स्ट्रीम। रेवेन्यू स्ट्रीम का एक मैं थोड़ा सा एक हल्का सा नुस्खा आपको बताता हूँ कि यदि मान लो एक वायलेशन वो कैप्चर करते हैं और वो सबसे छोटा वायलेशन है वो मोटर व्हीकल एक्ट में 2,000 रुपए का है, राइट? उसको कैप्चर करके डेट टाइम या लोकेशन के साथ स्टैंप हो करके वो डिजिटल चित्रगुप्त के पास जाता है, डिजिटल चित्रगुप्त उसको जो है ना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसमें सिग्नेचर करती है, वो चालान बन जाता है, चालान के बाद जो है ना चालान डिजिटल चित्रगुप्त उसको जो है अपराधी के पास भेजता है कि भाई तुमने ये नियम का वायलेशन किया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नीचे तो पेमेंट ऑप्शन है तो पेमेंट कर दो, या फिर सातवें दिन कोर्ट में पहुंच जाना। कोर्ट में कोई नहीं जाएगा जब इनफेलिबल एविडेंस है, तो काहे के लिए कोर्ट जाना, ठीक है ना? कोर्ट जाना तो फिर मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो वो पेमेंट करेगा, जैसे ही पेमेंट करेगा तो आधा पैसा सरकार के पास पहुंच जाएगा, आधा पैसा जो जिसने कैप्चर किया उसके पास पहुंच गया। मतलब 2000 में से 1000 जिसने कैप्चर किया उसको, 1000 सरकार के पास। अब अज्यूम करें कि यदि पूरी जनता जो है एक बटन दबा दें तो 137 करोड़ लोग यदि एक बटन दबाएंगे तो 1,37,000 करोड़ पैदा होगा। आई हैव टू चेक अप, किसी ने मुझे बताया है कि कस्टम एंड एक्साइज जो है ना पूरे साल में 8,00,000 करोड़ पैदा करती है, तो सिर्फ 7 बटन या 8 बटन दबा के जितना आपका कस्टम एंड एक्साइज पैदा करता है वो पैदा हो जाएगा। 4 और बटन दबा देंगे तो जितना इनकम टैक्स पैदा करती है वो पैदा हो जाएगा। तो फिर हम टैक्सेशन भी कम कर पाएंगे, जो इतनी ह्यूज वेल्थ इकट्ठी होगी उससे हम
बहुत सारा डेवलपमेंट कर पाएंगे और जो सीधा पैसा बांटेंगे दैट विल बी सच ए ह्यूज मनी कि इट विल बी इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम बाय 3 times. और अभी तो अपन छोटे छोटे इसकी बात कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है वायलेशन ऑफ द कैप्चरिंग के लिए ऐसे डिवाइसेस पैदा किए जाएंगे, ऐसे IoT वो डिवाइसेस बनाए जाएंगे कि आम जनता लगभग हर तरीके के रूल वायलेशन को कैप्चर कर पाएगी और कानून में जो है ना उसको कैप्चरिंग का पावर भी दिया जाएगा और रेवेन्यू स्ट्रीम भी दी जाएगी. सो द इंडिया विल बिकम ए रूल कंप्लायंट सोसाइटी. तो यहाँ पे रूल कंप्लायंट बनेगी, वहां पे प्रोडक्शन ओरिएंटेड सोसाइटी बनेगी. वी विल बी क्रिएटिंग अमृत फॉर द होल वर्ल्ड. वी विल बी क्रिएटिंग जो फ्रूट्स विच विल बी हैविंग द मेडिसिनल वैल्यू फॉर होल वर्ल्ड. वी विल बी क्रिएटिंग मेडिसिन फॉर द होल वर्ल्ड. ये सोच कहाँ पे है? उल्टा हो रहा है, आपकी हल्दी को कोई दूसरा पेटेंट कराने की कोशिश कर रहा है. लेकिन क्या भारत की जो हल्दी है और जो हल्दी किसी दूसरी जगह पे उगाई जाएगी उसकी मेडिसिनल वैल्यू बराबर होगी? आई डाउट नहीं होगी. इसको रिसर्च की जा सकती है इसके ऊपर, बिकॉज जमीन का वातावरण का असर पड़ता है. तो गॉड ने इंडिया को बहुत स्पेशल कंट्री बनाया है. इस चीज को हम अच्छे ढंग से इनकेस कर सकते हैं. अभी तक आप इतने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते रहे हैं. नाउ ए टाइम हैज कम व्हेन वी हैव टू लिव इन ए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. यदि हम अपनी अकेली सोच बदल देंगे तो हमसे धनी कोई देश नहीं हो सकता. हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो डिजॉल्व हो जाएंगी और हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो इंटेलेक्चुअल से होके आई हैं. आप कहते हैं कि जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं, आपका एक भी जो है ना एक क्रिएटिविटी वाले हैं, आपका एक भी सीरियल देखिए उसमें जो है ना डिवाउच करेक्टर स्कीम षड्यंत्र इसके अलावा कुछ परोसा जाता है क्या? सही बात. नो पॉजिटिविटी. कुछ डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी तो बोले साहब हम क्या करें, हम तो वो प्रोड्यूस करते हैं जो कि पब्लिक देखना चाहती है. मैंने कहा तुम साले झूठ बोलते हो. अरे इस देश की जनता तो रामायण देखना चाहती है. कर्फ्यू लग जाता था, लोग बाहों के जो है ना अपनी बिटियों की विदा हो रही है, वो रामायण देखने के बाद बिटियों की विदा होती थी. घर के जनाजे उठ रहे होते हैं तो वो रामायण देखने के बाद उठते थे. ये है हमारी TRP. तुम्हारे झूठ बोलने से हमारी TRP नहीं बदल सकती है. सही बात. आज भी आप देखिए एक वो चल रहा है इसका सूर्यपुत्र कर्ण, ये 2016 में जो है हुआ है उसका मैं देख रहा हूँ कि जो फॉलो अप है कई करोड़ में चल रहा है, वो TRP है. आप बताओ कौन सी फिल्म का करोड़ों में चल रहा है? किसी का नहीं चल रहा है. तो ये सब जो है झूठ बोलते हैं. ये सब लोग अपने चरित्र को दिखा रहे हैं एंड वो अपनी झेप मिटा रहे हैं. हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल के चरित्र खराब हैं. ये समय आ गया है जब हम उसे कहें कि तुम अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल्स मत मानो, ये तुम्हारे चरित्र के कारण हम अपने देश को इतनी बुरी जगह पे पहुंचाए गए हैं. चाहे वो नेताओं का चरित्र हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल चरित्र हो, नेताओं को भी अपनी जगह में रखने की जिम्मेवारी इंटेलेक्चुअल्स की थी. आज लोग बाग कहते हैं कि जो पत्र है पत्रकार है जो कि चौथा स्टैम्प कहता था ये आपका पूरा पत्रकार बिका हुआ है, उनकी उनकी कलमें गिरवी है. तो फिर ये इंटेलेक्चुअल्स हुए, ये तो फिर प्रोस्टिट्यूट हो गए हैं. ये बताइए मुझे किसी को तो ये कहने की हिम्मत करना पड़ेगी ना कि तुम्हारी ये औकात है. जो इनको बड़े बड़े अपने ऐसे सिर पे लादे हुए हैं उनको उनको नीचे पटकना पड़ेगा कि तुम कोई इंटेलेक्चुअल्स नहीं हो. हम अपना पेंट फाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी क्रिएटिविटी है ये. अरे ये क्रिएटिविटी नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का दिवालियापन दिखा रहा है. किसी को कहना पड़ेगा इट इज नॉट ए क्रिएटिविटी. अरे क्रिएटिविटी देखना हो तो रामायण में जाकर देखो. आई ऑलवेज फील कि जिसमें जब मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे एकदम तबीयत खुश हो जाती है. राम का रूप निहारत जानकी कंकन के नगे की परछाई, याते सबई सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नहीं. ये है क्रिएटिविटी. हमें बीभस माइंड के लोग चाहे वो धर्म के हों चाहे वो इसके हों चाहे इसके हों, इन सब लोगों ने गुमराह किया है. अपना हित साधा है, अपन को बांटा है जिससे वो हमारे नेता बने चुनाव जीते. लेकिन हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने अपने चेहरे पे उनके पट्टे लगा के उनका काम किया है. देश राष्ट्रहित का राष्ट्र जो है ना उसका हितैषी का पट्टा लगा के कोई जो है ना किसी टीवी उस पर नहीं बैठता है. कोई बैठता है कि आई एम नेशनलिस्ट?
कोई कहता मैं बीजेपी का हूँ, कोई कहता मैं बीएसपी का हूँ, कोई कहता मैं कांग्रेस का हूँ, अरे कोई देश का है, देश हित का सोच रहा है, ये बात कोई क्यों नहीं लिखता है, कोई देश हित वाला पट्टा क्यों अपने सिर पर नहीं लगाता है, ये कहने की जरूरत है और गरज के कहने की जरूरत है। हमें अपनी जड़ को ठीक करना पड़ेगा, हमारी जड़ खराब हुई है, हम दूसरों को दोष दे रहे हैं, दूसरों को देश देने से काम नहीं चलेगा, वी हैव टू चेंज अवर जो है ना रूट्स। क्यों सिंह साहब आप सहमत है कुछ मेरी बात से? सर 200% सर। चलिए आज शुक्ला जी आपका क्या कहना है? नहीं नहीं बिल्कुल सही है सर आपका कहना। अमन राम जी आपका क्या कहना है? I am fully agree with you sir. I have already concluded that whenever failure in your life go to the basics. ठीक बात है। और हमारे जो है ना बेचारे वो पांडे जी चले गए हैं, वो बहुत वो भी अच्छे थे। विक्रम सिंह जी जो है ना, विक्रम सिंह जी जरा आप अपना वो ऑन कर लीजिए जरा माइक्रोफोन कैमरा, तो हम आपको दर्शन कर लेंगे जरा। मिस्टर विक्रम सिंह तो विक्रम सिंह ही गायब हो गए। मैं आ रही हूं प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। चलिए तो आप लोगों की इजाजत से आपको कोई क्वेश्चन और पूछना है वो तो पूछे, नहीं तो मुझे ख्याल से अपन वी कैन क्लोज सेशन। अब कॉन्सेप्ट के बारे में तो क्लैरिटी हो गई है, वो अपनी अक्षमताओं को दूर करने का विचार करेंगे, हम अपने को अक्षम समझते हैं और सक्षम कैसे होंगे वो आपके माध्यम से। बहुत बहुत सिंपल से कुछ कुछ फार्मूले बता दें। सबसे बड़ी सक्षमता है क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि वो संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। कल जब जो क्राइम फ्री भारत जो है थाली रूपी शंखनाद करेगा तो आपके पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें कम हो जाएंगी, आपके गैस की बढ़ी हुई कीमतें कम हो जाएंगी, आपके जो उल्टे सीधे डिसीजन है वो पटरी पे लाए जा सकेंगे। तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति जो है ना वो यूट्यूब की सब्सक्रिप्शन की संख्या है। हाउ वी कैन फास्ट रीच इट टू द, तो दिमाग लगाओ कि कैसे पहुंच सकते हैं। नंबर डिजिटल का जमाना है, डिजिटल जमाना है सर। नंबर वन नहीं नहीं, अब मतलब आप जैसे कहते हैं ना कि पहले वो एक राक्षस में और उसका पिंजरे तोते में जान थी, अब हमारी जान जो है वो यूट्यूब की चैनल के सब्सक्रिप्शन नंबर में पहुंच गई है, चाहे उसको टीआरपी कहो जो भी कहो, ठीक है ना। नंबर वन। नंबर टू, हम सभी को जैसे अपन लोगों ने अभी बात की, हम सब लोग दो दो मिनट का तीन मिनट का एक वीडियो बनाए कि हम क्राइम फ्री भारत को क्या समझे हैं, क्या इससे फायदे होंगे, और पब्लिक से अपील करें कि क्राइम फ्री भारत से वो जुड़े। ये अपील जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। ये पीछे हमारी टेक्निकल टीम है, अभी जो हमारे मनीष कुमार जी हैं, ये इनका काम यही है, वो जो है ना उसको यूट्यूब चैनल पे जो है ना अपलोड कर देंगे। तो जब इतने सारे लोगों की अपील होगी तो इट विल बी मेकिंग ए इम्पैक्ट। फिर हमने कहा है कि हम ढेर सारे जो है ना ग्रुप बना रहे हैं, बहुत बहुत तेजी से जो है ना हम ज्योमेटिकल प्रोग्रेशन में ग्रुप बना रहे हैं। आपसे बात करते करते आपका ग्रुप बना देते, इतने फास्ट ढंग से बना रहे हैं। मतलब कम से कम इस समय जो है मैं 500 से ज्यादा ग्रुप को हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है ना, और ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप में से कौन जो है ना एनर्जी रखता है, जिसने कहा हाँ मैं एनर्जी रखता हूँ, उसका ग्रुप बनने में उसी सेकंड उसका ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप में सप्ताह में एक बार ये चर्चा हो रिकॉर्ड के साथ, रिकॉर्डिंग करते हुए ऐसे अपन अभी चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही, उसको रिकॉर्ड किया जाए और उसको जो है ना हम फिर क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तो लोगों की जो विचार हैं दे विल बी अवेलेबल फॉर द लार्जर कंजम्पशन, और उन वीडियोस से टेक्निकल टीम कुछ कुछ चीज कट करके डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनाएगी, सो दैट सभी लोगों के मुंह से वो बातें निकलेंगी, अकेले मैथिलेंद्र गुप्त के मुंह से निकली हुई बात नहीं होगी। दैट इज द सेकंड। एंड देन जो है ना नेक्स्ट जो है, आप सभी को जल्दी से जो है नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करना है। नरेंद्र मोदी ऐप में जो है ना एक पोर्शन में मन की बात है, मन की बात में आप आइडिया दे सकते हैं। तो हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करें कि वो क्राइम फ्री भारत को समझें, क्राइम फ्री भारत को जो है ना समय दें और उसकी बात सुने और उसको शीघ्र इम्प्लीमेंट करें। यदि इतने सारे लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक बहुत सुलभ साधन अवेलेबल है उसके माध्यम से यदि अनुरोध करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पैदा ना हो ये संभव नहीं है, राइट। बाद में जब हमारी संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी तो हम आशा का दीपक जलाएंगे। जिस दिन भी आशा का दीपक जलाएंगे उस दिन दीपावली हो जाएगी।
और जिस दिन हम शंखनाद करेंगे थाली बजाकर, उस दिन जो डिसीजन आप चाहेंगे वो डिसीजन होगा। तो जो आपकी, जो आपको लग रहा है कि एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि आपको एनर्जी का एक बहुत बड़ी संख्या में जो है ना, आप एनर्जी शायद आप फील कर रहे होंगे। एकता में शक्ति है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि वो इतनी एनर्जी होगी कि जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है? यस सर। शुक्ला जी? सर बिल्कुल सही है, और एफर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे, ट्रस्ट बिल्ट अप करने का काम रहेगा, नए ग्रुप बनाने का काम रहेगा। आप इसमें फुर्ती से जो ये बातें कही हैं, कम से कम अपन लोग जो लोग 4-5 लोग बातें कर रहे हैं, कम से कम कल इन लोगों के वीडियोस तो अपलोड हो ही जाना चाहिए, ठीक है ना? बाकी लोगों के होते रहेगी, कम से इतने लोगों के हो जाए, कम से कम हम लोग नरेंद्र मोदी ऐप को जरूर डाउनलोड कर रहे हैं। सप्ताह में एक बार हम लोग उसको लिखना चालू करेंगे, जब इतने लोगों के तरफ से प्रार्थना पहुंचेगी तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर इस देश को क्राइम फ्री भारत मिलेगा। और जब जो है ना सरकार का पैसा खर्च नहीं होना है, जब इतना सारा धन पैदा होना है, जब हम इनकम टैक्स और टैक्सेशन कम कर पाएंगे, ज़्यादा रूल कंप्लायंट सोसाइटी बना सकेंगे, हम जो है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से लेके केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मिल्क, गाय, गोबर, हनी, मेडिसिन, सब तरफ से यदि अपन सोना पैदा कर पाएंगे, यदि इन सब चीज़ों का जो है ना समाधान एक साथ मोदी जी को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी उस बात को स्वीकारेंगे और उसको जो है ना पालन करेंगे। और जिस लोगों ने जितनी भी जहां मेहनत की है, उन लोगों के ज्ञान को इकट्ठा करके आज की टेक्नोलॉजी में उसको प्रो के स्टार्टअप के माध्यम से हर व्यक्ति के डोर स्टेप पर पहुँचाया जाए, हर व्यक्ति उतनी ही मेहनत करके उतना ज्ञान प्राप्त करे, ये कहीं भी नहीं होता है और ना ही ये करना चाहिए। तो लोगों ने 20-25, 25-25 साल, 30-30 साल जैसे पांडे जी ने काम किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, उन सब लोगों को अलग अलग उसमें, जैसे हमारा जो है इंटीग्रेटेड जो है एग्रो का अलग ग्रुप्स हैं, टेक्नोलॉजी के अलग ग्रुप्स हैं, मिल्क के अलग ग्रुप हैं, हनी के अलग ग्रुप हैं, सो वी आर ऑलरेडी हैविंग CFB एग्रो ग्रुप, वी आर हैविंग CFB हनी ग्रुप। तो अब पांडे जी को मैं एक आधो जगह जोड़ दूंगा, आप लोगों की यदि इच्छा होगी तो जहाँ जहाँ आप कहेंगे उन ग्रुप में हम आपको भी जोड़ेंगे। वी आर हैविंग कंट्री स्पेसिफिक ग्रुप, सो नाउ CFB इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। वी आर हैविंग अमेरिका चैप्टर, वी आर हैविंग ऑस्ट्रेलिया चैप्टर, सो UK चैप्टर, यूरोप चैप्टर, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें हैं। एंड लॉट मैनी इंडियंस दे आर वेरी कीन टू हेल्प आउट टू मेक ए डिफरेंट इंडिया। वो सभी जो है ना इंडिया के सिस्टम से दुखी रहते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी को लेके काफ़ी आसान वित हैं, तो एवरीबडी इज एक्साइटेड। अब सवाल उठता है कि जिसमें जो भी, जो उसने तपस्या की है, किसी की भी तपस्या हो, उस तपस्या को व्यर्थ ना जाना जाए, जाने दिया जाए, उसके नॉलेज को एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, उसको और जो है ना अच्छा किया जाए, उसको टेक्नोलॉजी में प्रो के थ्रू स्टार्टअप, लेट इट बी अवेलेबल टू द पब्लिक एट लार्ज, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली। हम सही मायने में विश्व गुरु, विश्व शांति वाले और विश्व ज्ञान वाले जो है ना के रूप में स्थापित करेंगे, और इसमें कोई हेजेमनी की भावना नहीं होगी, बल्कि वसुंधरा कुटुंबम, वासुदेव कुटुंबम, उस वो वाली भावना रहेगी। और कहीं ना कहीं ये भाव भी रहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि, हम में से हर कोई में जो है वो शक्ति विराजित है कि वो जो है गॉड लाइक हो सकता है। सो लेट्स प्रे टू गॉड कि वी शुड बिकम गॉड लाइक फॉर द सर्विस ऑफ ह्यूमिलिटी। अभी हर कोई जो है ना सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है चंद रुपए कमाने के लिए, विदाउट रियलाइजिंग कि ये पैसों को लेके वो अपने सिर पे नहीं जा सकता है। देयर इज नो टेक्नोलॉजी टू टेक दैट मनी और करेंसी विद देम, इट इज ओनली जनरेटिंग नेगेटिविटी। यदि आप जो है दूसरों के लिए गड्ढे खोदेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उस गड्ढे में ना गिरें, आपके किथन किन उस गड्ढे में ना गिरें। लेट्स रियलाइज दैट दिस इज ए फलसी। पहले आप देखिए अमेरिका जो है ना दूसरे कंट्रीज में जंगल कटवाता था और उसको लगता था कि हमारे इंडिया जो है ना अमेरिका के जंगल बचे रहेंगे, बाकी जगह के कट जाएं।
लेकिन अब उसको भी समझ में आ गया है कि दैट ग्लोब इज सो इंटीक्रेटली कनेक्टेड नॉट ओनली बट एट द एनर्जी लेवल आल्सो. तो हमारी तो प्रार्थना यही है कि हम सब लोग मिलके, हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों से शेयर किए हैं, हर चीज कोडिफाइड है और उसमें जो करना है वो गुरु मंत्र है कि सब्सक्राइब करो यूट्यूब अपना जो है ना, वीडियो बनाओ, वीकली मीटिंग करो, नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करो, हर वीक उसमें चढ़ाओ ये यदि हम, और जैसे ही संख्या बढ़ जाएगी तो फिर आशा का दीपक जलाओ और शंखनाद करो. यदि हम ऐसा कर पाए जिसमें कि कोई कठिन काम नहीं है, ये तो वही ऐसा है कि कोरोना से लड़ने के लिए दो बूंद जो है ना लेमन के काफ़ी हैं और हम इसके बाद भी अपने को असहाय फील करें, हमें फिर भी जो है ना बेड कम पड़े, फिर भी हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागें और घुट घुट के अपनी जान गंवा दें, ये तो प्रारब्ध ही होगा. यदि इतना सुलभ क्राइम फ्री भारत संभव है, फिर भी यदि हम उसे प्राप्त ना कर सकें तो ये कोरोना जैसी स्थिति ही होगी. क्यों सिंह साहब? राइट सर, शुरू करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, एक कदम आगे बढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे सर. जरूर. थैंक यू सर. थैंक यू आत्माराम जी. शुभ रात्रि. थैंक यू. जय राजा. शुभ रात्रि. गुड नाइट. और हम आभारी हैं कि आप लोगों ने पहले दिन ही अपने जल्दी मिल लिए हैं और अच्छी बात हो गई है. आप अपने एक्सपीरियंस अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा. जय हिंद, जय भारत. जय भारत सर. थैंक यू सर. ओके, बाय बाय. गुड नाइट.